ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में कितने लोग जानते हैं आप में से? ओके, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में अंतर है। भगवद गीता है जो भगवान ने गाया है, भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ है ना। कितने श्लोक गाए भगवान ने उसमें? 700 श्लोक गाए उसमें, है ना। और श्रीमद् भागवतम, भागवतम मतलब उसमें भगवान के बारे में है, है ना। और उसको भक्तों के बारे में और भगवान के बारे में। और उसी श्रीमद् भागवतम में ये जो आज जो हम देखने वाले हैं नरसिंह भगवान की लीला का वर्णन आता है, है ना। भगवान के मुख्य तो 24 अवतार बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन भगवान के तो अनंत अवतार हैं। जब जब भक्तों को आवश्यकता पड़ती है भगवान अवतार लेकर के आ जाते हैं, भक्तों की मदद करने, असुरों का विनाश करने के लिए। जैसे भगवान भगवद्गीता में क्या बोलते हैं कि कब कब भगवान आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत स्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्, है ना। और भगवान आकर के क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम, क्या करते हैं? साधुओं की रक्षा करते हैं। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग परेशान कर रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उनकी रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का क्या करते हैं? संहार करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, और इस चीज की स्थापना करते हैं कि क्या चीज करने योग्य है, क्या चीज करने योग्य नहीं है, इस चीज की स्थापना करते हैं। तीन मुख्य कार्य हैं जो भगवान करते हैं। और भगवान भगवद गीता में चौथे अध्याय में इस बात को ही बताते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो मेरे जन्म और कर्म है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्यम का मतलब क्या होता है? मतलब भौतिक नहीं है। भौतिक मतलब क्या? मतलब जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, है ना, जन्म हो गया भाई, फला फला समय पर जन्म हुआ, 3 जून 1987 को जन्म हो गया, ठीक है, एक डेट है। और उसी तरीके से एक हमारी मृत्यु की भी डेट आती है, लेकिन भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता। हम जब जन्म लेते हैं कैसे रोते धोते, है ना, खून से लथपथ, है ना, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन भगवान कैसे जन्म लेते हैं? क्या भगवान का जन्म तो अद्भुत होता है। अभी देखिए, नरसिंह भगवान के जन्म में कोई पास्ट, कोई बाल लीला है ही नहीं, सीधे मेन कोर्स, डायरेक्ट एंटर, डायरेक्ट अपने एक्शन पे। बाकी समय देखिए, जैसे भगवान राम की बाल लीला चल रही है, यशोदा माता खिला रही हैं, राम जी भाग रहे हैं, कृष्ण में भी बाल लीला चल रही है, है ना। उधर अगर आप देखें कपिल देव जी, तो भी जन्म हुआ उनका प्रॉपर। नरसिंह भगवान में कोई बाल लीला नहीं, डायरेक्ट एक्शन, है ना, डायरेक्ट स्टार्ट एक्शन, खता सीधे, सबसे पहला काम क्या? हिरण्यकश्यपु गए, है ना। तो डायरेक्ट एक्शन पे उतर आते हैं। तो भगवान के अलग अलग जन्म हैं, उनकी खासियत क्या है? जब उनके बारे में हम सुनते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो कि भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक हैं, अगर उनको हम सुनते हैं तो क्या होता है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे हमको दूसरा शरीर नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। तो भाई क्या, तो फिर क्या भूत बन जाएंगे क्या? नहीं, तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, क्योंकि हम भगवान के पास टाइम्स में, उनकी लीलाओं में इतना रच पच गए। इसलिए श्रीमद् भागवतम बताती है, श्रणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयस्थ अभद्राणी विदुनोति सुहत्सताम। जय श्री नरसिंह भगवान की जय, जय श्री गौर निताय की जय, जय श्री राधा कृष्ण की जय। तो श्रीमद् भागवतम क्या बताती है? जैसे जैसे हम भगवान के जन्म के बारे में सुनने लगते हैं, श्रणवताम, जब सुनते हैं स्वकथा कृष्णम, जब भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो जो क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तनम, उनके वो क्या है? आध्यात्मिक पुण्य है। और उससे क्या होता है? हृदयस्थ अभद्राणी, हमारे हृदय में जितने अभद्र भरे पड़े हैं, हमें संसार में भोग करना चाहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, जो 6 प्रकार के मुख्य रूप से अभद्र है, ये सब क्या हो जाते हैं?
इनका डिटर्जेंट लगा कर सफाई हो जाती है ना, जैसे कपड़ों में गंदगी होती है ना, तो ऐसे पानी में डालेंगे साफ नहीं होगा, क्या करेंगे पहले डिटर्जेंट डालने का, डिटर्जेंट जाएगा वो पूरी गंदगी के साथ मिल करके और पूरी गंदगी को निकाल देगा। ऐसे ही बाकी डिटर्जेंट भी पूरा काम नहीं करेगा, थोड़ा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, लेकिन भगवान की कथाएं ऐसी हैं कि आप बस उनको सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। भगवान के इतने सुंदर पास्ट टाइम्स हैं कि आपके हृदय में जगह बना करके आपके हृदय में जितने भी अनर्थ हैं इस संसार में भोग करने के, भगवान को अलग रखने के, इस शासन करने के, अपने आप को सेंटर में रखने के, सब अभद्र कहाँ चले गए, शिव मंत्र है ना गायब हो गए। जिस प्रकार से मच्छरदानी लगाने पर मच्छर का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही अगर जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहते हैं, उनको गाते रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं, इस जगत में मानते हैं कि बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत दर्द हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं, लेकिन उनका प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता है। इसीलिए गोपी गीत में जो गोपियाँ होती हैं वो क्या बोलती हैं भगवान को, तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो कहती हैं आपकी जो कथाएं हैं वो इतना संतृप्त कर देती हैं हमको कि अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस जगत में कष्ट हैं, सबके जीवन में कष्ट हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, लेकिन सुखी कौन है जो भगवान की कथाओं को सुन रहा है, उसमें रम रहा है, क्योंकि वही असली सुख है। बाकी सारा सुख कैसा है, वो मृग मरीचिका के जैसा है ना। मृग मरीचिका कैसा होता है, आप कभी रोड पर जाइए तो दूर दिखाई देता है कि पानी है, क्या दिखाई देता है, पानी है, वहाँ जाएंगे तो कुछ नहीं है, फिर आगे जाएंगे देखें फिर पानी आ रहा है। ऐसे ही संसार में देखिए, हम छोटे पर से अपने आप को देखिए, हम हमेशा दौड़ते ही तो रहे हैं, हम सोचते हैं छोटे पर सोचते हैं, अगर मान लीजिए आप जब छोटे थे है ना 4-5 साल के, उस समय अगर आपके पिताजी बोलते कि बताइए आपको सेब चाहिए या फिर गुब्बारा चाहिए, तो क्या मांगते हैं, गुब्बारा है ना, हम गुब्बारा लेते हैं उसको, ठीक है। उस समय हमारे लिए प्रायोरिटी क्या थी या हमारे लिए सुख क्या था, वो बड़ा सुख था। ऐसे हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं साइकिल मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, फिर सोचते हैं बस हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिर क्या है, फिर तो कुछ है नहीं, फिर सोचते हैं अभी इंटर आ गया, इंटर में मार्क्स अच्छे आ जाए फिर तो फिर क्या कर, कॉलेज में तो कुछ पढ़ना होता नहीं है, कॉलेज में तो कुछ घूमना ही रहता है, फिर कॉलेज में सोचते हैं अरे यार अगर जॉब अच्छी नहीं लगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, जॉब एक बार अच्छे से लग जाए ना फिर क्या है, फिर तो बस घूमना ही, आनंद करो, पैसे तो आएंगे ही, ऐश करेंगे और क्या है ना। फिर कॉलेज में जब वहाँ पे जब जॉब भी अच्छी लग जाती है फिर सोचते हैं अरे शादी हो जाएगी बढ़िया कोई है ना फिर अच्छा रहेगा, अभी तो अकेले अच्छा नहीं लगता है, फिर शादी हो जाती है फिर सोचते हैं अभी एक बार बच्चा हो जाए अच्छे से वो सुंदर हो जाए फिर क्या है, फिर हम पूरा गृहस्थ बन गए, गृहस्थ धर्म तो भाई तभी पूरा माना जाता है जब क्या हो एक पुत्र या पुत्री हो हमारे परिवार में, तो भाई पुत्र भी हो गया, अब पुत्र हो गया फिर सोचते हैं पुत्र हो गया है भाई इसकी पढ़ाई भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए है ना, उसको अच्छा से पढ़ा लिखा देंगे ना तो मन में बहुत संतृप्ति मिलेगी और हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार से जो माया देवी हैं हमारी उस जो सुख की चाह को है वो उसकी तरह बनाती हैं, जैसे गधे के सर के आगे आप गाजर लटका दो थोड़ी दूर आप पे आगे है ना, और गधा जितना दौड़ेगा गाजर भी उतना दूर जा रही है, तो हमको यही लगता है बस अभी ये मिल जाएगा सुख है ना, अभी ये मिल गया ना, जॉब मिल गई तो सुख मिल जाएगा, अभी ये हो गया तो सुख मिल जाएगा, लेकिन वो सुख कभी नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि सुख वहाँ पे है ही नहीं। जैसे एक पेड़ जो है वो उसमें आम लगा हुआ है, ठीक है, अब उसकी परछाई जो है वो पानी में पड़ रही है, तो बताइए आम कैसे मिलेगा, पेड़ पर चढ़ के कि पानी में कूद के, दोनों जगह आम दिख रहा है, पेड़ पर चढ़ के मिलेगा, तो पेड़ पर चढ़ने वाला वो बुद्धिमान व्यक्ति मतलब भगवान के जो चरणों में आश्रय लेता है वो है व्यक्ति जो उसको समझ में आ गया कि असली सुख कहाँ पर है। बाकी जो पानी में कूदेंगे हैं हमारे पास इंटेलिजेंट लोग ऐसे है ना, जो क्या करेंगे कहाँ कूदेंगे, पानी में, वो कहेंगे नहीं पानी वाला हमको चाहिए, वो भी तो देखो आम ही है वैसे ही दिख रहा है जैसे ऊपर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही है वैसे ही दिख रहा है, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं, सीधे गीले होकर के आएंगे और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो ऐसे ही व्यक्ति का पूरे जीवन भर बाल सफेद हो जाता है, दांत सारे गिर जाते हैं, तदपि ना आशा पिंडम, शंकराचार्य जी कहते हैं व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके हृदय में इच्छाएं खत्म नहीं होती। कभी कोई लोग सोचते हैं अरे देखिए अभी हम युवावस्था में हैं है ना, थोड़ा हम अच्छे से भी एंजॉय कर लें, बाकी बुढ़ापे में तो भाई की कोई इच्छाएं तो बाकी तो इच्छाएं नहीं रह जाएंगी, फिर तो भक्ति करेंगे फिर करना ही क्या है, ऐसे करके लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि कोई भी किसी भी अवस्था में इच्छाएँ जो होती हैं वो खत्म नहीं होती, कितना भी उम्र हो जाए, उम्र होने से क्या होता है, एक तब व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं रह जाती है तो बेचारा करे क्या, क्षमता नहीं है, एक ऐसा नहीं कि उसके अंदर इच्छाएं नहीं, इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती ही जाती हैं बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए बुद्धिमानी क्या है, जब हैं जहां हैं वहीं से भगवान के बारे में श्रवण करने लग जाएं। कभी कभी लोग बोलते हैं
अरे अभी तो बहुत समय है प्रभु जी, अभी युवावस्था में क्यों भक्ति कर रहे हो या लोगों को बोलो भक्ति करने को, अभी तो समय है, बाद में बुढ़ापे में करेंगे जब कुछ नहीं रह जाएगा पास में, है ना। लेकिन आप समझो, जब कुछ नहीं रह जाएगा, आपके शरीर में इतने अंगों में दर्द होगा, आप आओगे मंदिर में श्रवण करने, तब तो किसी का सहारा देखोगे भाई, है ना, कि टिम्पू है ना, तुम आ जाओ, पप्पू तुम आ जाओ साथ में, हमको लेके चलो मंदिर में। आओगे भी तो शरीर में इतने दर्द हो रहे होंगे, कोहनी में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कि कहीं हमको फिर हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है भक्ति करने का? अभी, जब आपको पता चले, है ना, जब आपको पता चले उसी समय भक्ति करने लग जाइए, है ना। तो श्रीमद् भागवतम ये बताती है किस प्रकार से भक्तों ने भक्ति की है, है ना। भगवद गीता ये नहीं बताती, भगवद गीता ये बताती है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। भगवान ने बताया कि किस तरीके से मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में श्रवण करो, ये सब भगवान ने बताया। उसका प्रैक्टिकल कैसे लोगों ने, भक्तों ने अपना जीवन जिया है, ये कहाँ पता चलता है हमको? श्रीमद् भागवतम में। और श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 स्कंद हैं, और उन 12 स्कंदों में जो 7वां स्कंद है वो भगवान नरसिंह लीला के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो इसमें 10 अध्याय पूरे के पूरे जो हैं, जो कि इसको बताते हैं, किसको? नरसिंह लीला को। यस, तो देखिए मैं ऐसे ही सिंपल प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, है ना, अध्यापक हूँ ना, थोड़ा सा वो है, तो क्या है, मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो क्वेश्चन ना मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोग अटेंटिव हियरिंग कर रहे हो, है ना। यस, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, और भगवान की कथा है, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना प्योरीफिकेशन होगा, है ना, मेरा भी प्योरीफिकेशन होगा बोल करके, आपका भी प्योरीफिकेशन होगा श्रवण करके, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में ये 10 चैप्टर्स आते हैं जो कि नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज की लीला को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम, इस कलयुग में आते हैं, तब वो बार बार इन लीलाओं को सुनते हैं। किन लीलाओं को? 2 लीलाओं को कहते हैं, बार बार सुनाओ, बार बार सुनाओ। गदाधर पंडित उनसे बोलते हैं, पहला प्रहलाद चरित्र, कहते हैं बार बार सुनाओ प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद का जो डिटर्मिनेशन है, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं जीवन में, सोचिए अभी हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो कहते हैं आज थोड़ा देर में करेंगे माला, है ना, या फिर आज हम मंदिर नहीं जाएंगे, क्या है ना, एक जीवन में थोड़ी समस्या आ गई, है ना। प्रहलाद महाराज के जीवन में जो समस्याएं थी, अगर आप कंपैरिजन करो अपनी समस्याओं से, सोचिए उनके जो पिताजी हैं वही उनको मारना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, दैट्स ऑल, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या उससे डिग रहे हैं? ना, कुछ नहीं, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, है ना, भगवान के चरणों में पूरा विश्वास, कुछ भी कर लो, है ना। ये जो विश्वास, जो दृढ़ता है, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रभावित करती थी। ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन कैसे, उन्होंने, इन दोनों लोगों ने, ध्रुव महाराज और प्रहलाद ने, 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। चैतन्य महाप्रभु बार बार इन दोनों के पास टाइम्स को सुनते थे। कभी कभी डिवोटीज प्रश्न पूछते हैं, एक बार क्या हुआ, हमारे इस्कॉन मायापुर में नरसिंह भगवान का बहुत सुंदर टेम्पल, आपने देखा होगा, देखा है आपने, नरसिंह भगवान का बहुत सुंदर बना हुआ है अल्टर, तो वहाँ पर पंचांगरी प्रभु हैं, है ना, तो वो सेवा करते हैं नरसिंह भगवान की। एक बार उनसे कुछ डिवोटीज ने पूछा, कहा प्रभु जी हम लोग नरसिंह भगवान की पूजा क्यों करते हैं, हम तो राधा कृष्ण की सेवा करने वाले, राधा कृष्ण के बस, है ना, भगवान की सेवा करनी चाहिए राधा कृष्ण की, नरसिंह भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है। तब उन्होंने बताया, कहा देखो राधा कृष्ण की सेवा करना इतना आसान नहीं है, जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो बहुत सारे विघ्न आएंगे आपके जीवन में, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, नहीं करने देंगे, अनेक अनेक प्रकार की विपदाएं आएंगी, तो उन विपदाओं से कौन निकालने वाले हैं हमको? नरसिंह देव भगवान निकालेंगे, नरसिंह देव भगवान की, इसीलिए उनको बोलते हैं भक्ति विघ्न विनाशक। तो कहीं भगवान राधा कृष्ण भक्ति विघ्न विनाश नहीं करते क्या? नहीं, पंचांगरी प्रभु बोलते हैं वो तो भगवान तो अपने लीलाओं में गोलोक वृंदावन में वो आनंद में रमण कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई भक्तों के जीवन में समस्याएं आएंगी कौन निवारण करेगा? भगवान तो अपनी लीलाओं में मस्त हैं, तो भक्तों के जीवन की समस्याएं कौन करे भाई? भक्त के अभी कमर में दर्द हो रहा है, बताइए, है ना, सर में दर्द हो रहा है, अब किसके कहे जाके भगवान तो अपना लीलाओं में वहाँ पे मग्न है, तो भक्त किन से बोले अपनी समस्याओं के बारे में, अपने शरीर की समस्याओं में, अपने मन की समस्याओं के बारे में, अपने अंदर अनर्थ जो है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य, जिनके कारण वो भक्ति नहीं कर पा रहा है, किससे कहे? तो भगवान कहते हैं भाई ठीक है, तुमको कहना ये सब चीज़ें, हाँ, तो मेरा एक दूसरा अवतार है, वो बहुत दयालु अवतार, वो कहें नरसिंह देव भगवान, तुम जाओ और इनसे अपनी समस्याएं बोलो, नरसिंह देव भगवान सब सेटल कर देंगे।
और ये हमारे बिल्कुल आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। जब भी आप नरसिंह देव भगवान की शरण लेंगे आपके सारे विघ्न जो हैं दूर हो जाएंगे। शास्त्र बताते हैं कि जो गणेश जी हैं उनका भी नाम क्या है, विघ्न विनाशक नाम है ना, लेकिन गणेश जी को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, नरसिंह भगवान से प्राप्त होती है, है ना। वहाँ पर ब्रह्म संहिता में आता है कि जो गणेश जी को जो शक्ति प्राप्त होती है विघ्नों को हरण करने की, वो कहाँ से प्राप्त होती है, नरसिंह देव भगवान से प्राप्त होती है। इसलिए तो हमें ये फिलॉसफी समझना चाहिए कि हमारे जीवन में देखिए कठिनाइयाँ आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमने हरे कृष्ण महामंत्र जब करना चालू कर दिया तो सब रोडों पे लोग फूल बिछा देंगे, कहेंगे अरे प्रभु जी आ रहे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं, कोई उनको तकलीफ मत दो, कोई उनको कुछ बोलो मत, है ना। आस पड़ोसी लोग सब कहेंगे अरे प्रभु जी माता जी आप तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करती हैं, हमें आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये भौतिक जगत ही रहेगा। यहाँ पर लोग ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे, नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे, है ना, आपका सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, ये सब इस संसार में होना ही है, है ना। तो फिर क्या हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब हमारे साथ ना हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नरसिंह भगवान से हम ये प्रार्थना नहीं करते कि हमारा अपमान ना हो या हमको इस संसार में बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिलता रहे, इसलिए हम नरसिंह भगवान की प्रार्थना नहीं करते। हम इसलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस संसार में चाहे जो कुछ हो जाए, है ना, लेकिन हमारा विश्वास आप पर हमेशा बना रहे, हमारी फेथ आप पर हमेशा बनी रहे, आप हमें शक्ति दो ताकि उन सारी विपदाओं को, उन सारे विघ्नों को हम सहन करके आपकी सेवा हर समय कर सकें। ये नरसिंह देव से मांगना है, है ना, ठीक है। ये नहीं मांगना है कि अरे हमारा सब दर्द खत्म कर दो। आपने जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, है तो इसलिए भगवान नहीं है, ठीक है, इसलिए भगवान नहीं है। भगवान की नहीं आपके दुख दर्द मिटाने के और लाने के, वो हो सकते हैं, आप मांग सकते हैं उनसे, क्योंकि वही सब कुछ मांगने वही देने वाले भी हैं, लेकिन भगवान इसके लिए ही नहीं है। भगवान तो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए है ना। तो इसलिए हमको उनसे ये सब न मांग करके ये मांगना चाहिए कि जीवन में कुछ भी समस्या आ जाए, कोई भी विपदा आ जाए, लेकिन हम कंटिन्यूसली आपकी सेवा करते रह सकें और उन विपदाओं को सहन करने की शक्ति दीजिए। कुंती महारा ने यही मांगा ना, उन्होंने कहा हमको दुख दीजिए और दुख को सहन करने की शक्ति भी दीजिए और साथ साथ में उस समय भक्ति में कर सकूं, आपके ऊपर फेथ रह सके, ये हमको प्रदान करिए। तो देखिए शरीर तो एक ना एक दिन खत्म होने वाला ही है, कितना बचाएंगे इसको? कोई बोलेगा ये दर्द ना हो, वो दर्द ना हो, हमें ये बीमारी ना हो, वो बीमारी ना हो। शरीर तो एक दिन जा रहा है, वो जाना ही है, ठीक है। एक ऐसी कंपनी है 100% श्योर है कि ये डूबेगी, ऐसी एक ही कंपनी है। कौन सी कंपनी? शरीर की कंपनी, पक्का है। कोई आप तो बताइए, कितना भी बड़ा असुर हो, चलो हिरण्यकश्यपु को ले लेते हैं, आज दिन है तो हिरण्यकश्यपु देखिए पूरे विश्व पर शासन कर रहा है सब कुछ, लेकिन अभी कहाँ है? कोई नहीं जानता। सिकंदर आए, बड़े 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 लोग पूरे विश्व पे शासन किए, कहाँ है अभी? सब फिनिश। तो मतलब क्या है, ये तो पक्की बात है ये कंपनी डूबेगी, है ना। तो असली चीज किसकी रक्षा की हमें प्रार्थना करनी चाहिए? आत्मा की रक्षा की, हमारी चेतना की रक्षा की, ताकि हमारी चेतना हमेशा भगवान में रमण करती रहे, उसके लिए करती रहे। तो नरसिंह भगवान कैसे प्रकट होते हैं, किस चीज को तोड़ के प्रकट होते हैं? खंभे को थ्रा करके तोड़ के प्रकट होते हैं, ना। तो खंभा जो होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो स्तंभ को संस्कृत में एक और शब्द बोला जाता है जिसका मतलब होता है अहंकार, है ना। तो जो नरसिंह भगवान है हमारे अहंकार रूपी खंभे को तोड़ करके प्रकट होते हैं, है ना, और हमारे अंदर के हिरण्यकश्यपु को मार डालते हैं। अब हिरण्यकश्यपु कौन है भाई, ये कौन सा असुर है? ये हमारे अंदर दो असुर हैं, हिरण्य और कश्यपु। हिरण्य का मतलब क्या होता है? सोना। क्या होता है? जो हाँ जो जो ये आपका भोग है, इस संसार के भोग हैं, वो क्या कहलाते हैं? हिरण्य। और कश्यपु का मतलब क्या होता है? जो सोने का बेड होता है, मतलब जिसपे हम सोते हैं, है ना। तो हिरण्य जो जो ये चीज़ है वो ये उसको बताती है ऐश्वर्य को, और कश्यपु किसको बताता है? भोग को। तो जब तक ये हमारे अंदर दो चीजें बसी हुई हैं, कौन कौन सी दो चीजें? भोग और ऐश्वर्य। भोग का मतलब क्या होता है? मुझे ये एंजॉय करना है, मुझे वो एंजॉय करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, और ये सब क्या है? भगवान को सम्मिलित करके नहीं करना है, भगवान को साइड करके। हमको अच्छा खाना है लेकिन भगवान को नहीं खिलाना है,
ठीक है, कहीं कोने में जा करके भगवान से दूर होकर के, तो ये क्या है, भोग। और यही चीज़ प्रसाद कब बन जाएगी, हमारी खाने की इच्छा थी लेकिन हमने कहा नहीं हम भगवान के लिए बनाएंगे, भगवान के लिए बनाया, उनको ऑफर किया और प्रसाद के रूप में खुद पाए, ये क्या हो गया, प्रसाद हो गया। ठीक है, और ऐश्वर्य का मतलब क्या है, ऐश्वर्य का मतलब होता है व्यक्ति की संसार में इच्छा होती है बहुत बड़ा बनने की, है ना, कि मैं कम से कम DM SDM बनना चाहिए, है ना, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए तो हमारे बैंक में होने चाहिए, लेके भले 1 रुपये ना जा पाए वहाँ पे, है ना, लेकिन पैसे होने चाहिए बैंक में, क्यों, देख के सुकून मिलता है ना, कि हमारे पास कितने हैं, 4-5 करोड़ रुपए हैं। जैसे मधुमक्खियों को देखा है ना आपने, वो जीवन भर क्या करती हैं, बस शहद इकट्ठा करती रहती, बाद में क्या दशा होती है उनकी, दूसरे लोग आते हैं धुआं दिखा के, मधुमक्खी गई, शहद दूसरे लोग ऐस कर रहे हैं। ऐसे ही जो ऐश्वर्यवादी लोग होते हैं बहुत इकट्ठा करते हैं, धन धन धन, पैसा पैसा पैसा, संसार में खूब इकट्ठा कर लिया, है ना, बाद में उनके बच्चे और पोते मजे करते हैं, ये तो भाई साहब गए, है ना, वो कहाँ गए, नरक में गए, क्योंकि उन्होंने गलत चीज़ों से सारा धन क्या किया था, संचय किया था। ठीक है, तो ये भोग और ऐश्वर्य के कारण व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ पाता, तो इसलिए नरसिंह भगवान अहंकार रूपी खंभे को तोड़ करके हमारे हृदय के अंदर जो हिरण्य और कश्यपु, जो भोग और ऐश्वर्य बैठे हुए हैं, इनको मार करके हमारे हृदय में जो भक्ति रूपी प्रहलाद का जो बीज है उसकी रक्षा करते हैं। दैट्स द थिंग, तीन चीज़ें, हमारे अहंकार को तोड़ करके, भोग और ऐश्वर्य को मार करके हमारे हृदय के, और हमारे भक्ति बीज रूपी प्रहलाद की रक्षा कर लेते हैं, ये यहाँ पर हमें समझना है। चलिए, तो आप हम नरसिंह भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं, ठीक है, चलिए, तो अभी थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, है ना, कितना समय हमारे पास, हाँ टाइम ही है, चलिए ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समय आज नरसिंह भगवान का दिन है तो उनके लिए टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी क्या होता है, भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया, कौन से रूप में, वराह अवतार में, है ना, वराह अवतार में आए हिरणाक्ष का वध करने के लिए, खूब सारे पहले इंस्ट्रूमेंट से खूब लड़ाई हुई, अस्त्र शस्त्र से लड़ाई हुई, कि देखा अस्त्र कुछ काम नहीं कर रहे, दोनों ने फेंक दिया, फिर मुक्के हाथ चालू हो गए, है ना, फिर भगवान ने एक जोरदार तमाचा मारा, किसको, हिरणाक्ष को, यस, और जोरदार तमाचा पड़ते ही वो पूरा बेहोश, और वहीं पर वो हरी बोल हो गया उसका, ठीक है। अभी हिरणाक्ष जो है वो तो भाई चले गए, अब हिरणाक्ष के छोटे भाई कौन, हिरण्यकश्यपु, है ना, अब हिरणाक्ष का मतलब हिरण का हमने मतलब बताया था ना, ऐश्वर्य, और कश्यपु का मतलब क्या होता है, अक्ष का मतलब क्या होता है, आँखें, है ना, तो जिसकी आँखें हमेशा ऐश्वर्य को खोजती रहती थी, ये पैसा ले लें, ये ले लें, वो व्यक्ति का नाम क्या है, हिरणाक्ष। और हिरण्यकश्यपु क्या है, जो पैसा भी खोजता है और भोग भी खोजता है, दोनों के पीछे जो पागल है। आप जब हिरण्यकश्यपु ने सुना कि किसने मारा मेरे भाई को, यस, वरा भगवान कौन थे, विष्णु, यस, विष्णु ने किसको मारा, मेरे भाई को, तो अभी क्या लेंगे, इसका बदला लेंगे, है ना, और इस बदले की भावना से वो निकल गया मंदराचल पर्वत के पास और घनघोर तपस्या करने लग गया। इतना घनघोर तपस्या किया उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर इस तरीके से, ठीक है, अब पोजिशन देखिएगा, हम लोग 1 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे, उसने दोनों हाथों को ऊपर करके खड़ा हो गया और पैरों के बल नहीं खड़ा हुआ, जो अंगूठा होता है ना उसके बल खड़ा हुआ, और इस तरीके से उसने हजारों सालों तक तपस्या किया, है ना, अभी देखिए, है ना, हमारा एक दिन में व्रत में हालत खराब हो जाती है, है ना, उधर वो हजारों सालों तक तपस्या कर रहे हैं, है ना, किस लिए, अब कुछ तो हिरण्यकश्यपु बड़ा बड़ा बढ़िया व्यक्ति था, इतना तपस्या करने वाला, अरे बढ़िया बढ़िया नहीं था, तपस्या करना बड़ी बात नहीं है, किस चीज़ के लिए की जा रही है वो बड़ी बात होती है, ना है ना, कोई व्यक्ति रात भर बड़ा तांत्रिक मंत्रिक होते हैं, रात रात भर बड़ा बड़ा यज्ञ क्या करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए, है ना, ऐसे ही होते हैं, वो कौन सा परोपकार के लिए कर रहे हैं। तो अभी हिरण्यकश्यपु क्यों तपस्या कर रहा है, क्या बहुत कुछ परोपकार का काम करना चाह रहा है समाज के लिए, हाँ वो क्या करना चाह रहा है कि सारे विश्व पे किसका शासन हो, मेरा शासन हो, मैं कंट्रोल करूँगा पूरे वर्ल्ड को, और इस तरीके से भगवान को भी क्या कर देंगे, अपने अंडर में कर लेंगे, ऐसे करके, है ना। तो हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है, सारे देवता लोग परेशान, इतना उसके शरीर से अग्नि निकल रही थी तपस्या के कारण, जब तपस्या होता है व्यक्ति का, हीट के कारण उसके शरीर से इतनी अग्नि निकल रही थी कि देवलोक में लोग रह नहीं पा रहे थे, उनका पूरा जो घर है, जैसे आप सोचिए कभी कोई इतना बहुत हीट हो जाए तो पैर जो होते हैं आप रख नहीं पाते हो धूप में, तो
तो देवलोक में स्वर्ग लोक तक वो लोग रह नहीं पा रहे थे इतनी हीट के कारण। सब लोग ब्रह्मा जी के पास दौड़ के कहे भाई इसको बंद कराओ, इस व्यक्ति को पागल हो गया है वो, है ना, जमीन पर रह करके वो कुछ भी कर रहा है, जल्दी से उसको जा करके शांत कराओ, कुछ भी करो। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं क्या है, है ना, जाते हैं कुछ तो निकल के आएगा सोल्यूशन। अब ब्रह्मा जी जो हैं वो वहाँ पर गए तो ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे गया कहाँ हिरण्यकश्यप, क्योंकि लोकेशन तो सही थी लेकिन दिख ही नहीं रहा था। हुआ क्या था, उसकी सारी खाल और जो खून होता है उसको चींटियों ने खा लिया था, और चींटियों ने उसके हड्डियों के ऊपर एक एंट हिल बना दिया था, मतलब हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा है इतना। तो ब्रह्मा जी ने जब उसको देखा तो पहले तो ब्रह्मा जी को हंसी आई, अरे देख क्या पागलपन कर रहा है ये, फालतू की चीज़ के लिए भगवान की सेवा के लिए कुछ करता तो करता, इस जगत में भोग के लिए बेचारा कितना मेहनत कर रहा है। पहले तो ब्रह्मा जी को हंसी आई, फिर कहा चलो, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल में जल लिया उसके ऊपर छोड़ा, तुरंत ही हिरण्यकश्यप एकदम फिट है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी तो महल से आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो बताओ क्या चाहिए तुमको, तो उसने कहा ज़्यादा कुछ हमको नहीं चाहिए, है ना, बस हम क्या हो जाएं, अमर हो जाएं, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, ज़्यादा कुछ हमको एस्पिरेशन नहीं है। ब्रह्मा जी ने बोला दिमाग है, अमर की बात कर रहे हो, या हमको 100 साल के बाद जाना पड़ता है, हमको ही जाना पड़ता है, तो हम तुमको कैसे अमर बना सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा मांगो जो हमारे हो, हमारे लेवल का हो। तो भाई इसने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, किसने, आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा ताकि पीछे लोग दिक्कत ना हो, पूरा दिमाग जितना दिमाग हो सकता था ना इसके पास, पूरा दिमाग का यूज किया, है ना, जैसे आजकल के मटेरियल साइंस साइंटिस्ट होते हैं ना, पूरा दिमाग का यूज करें किस तरीके से बुढ़ापा ना आए, है ना, किस तरीके से 60 साल पे हम 16 साल के दिखें, है ना, तो वो पूरा दिमाग लगा रहे हैं, हालांकि होता कुछ नहीं है, वो ऊपर 16 साल का दिखेगा, अंदर से काम कुछ नहीं होगा उसको। वैसे ही इसने पूरा दिमाग लगा दिया कि किस तरीके से हम ऐसा उपाय करें कि कोई हमको मार ना पाए। उसने क्या क्या दिमाग लगाया, कहा ना तो हम दिन में मरे ना रात में मरे, है ना, तो सोचा दो ही दिन और रात होते हैं, है ना। दूसरा उसने बोला ना हम किसी अस्त्र से मारे जाएं ना कोई शस्त्र से मारे जाएं, अस्त्र मतलब जो फेंक करके मारा जाता है, शस्त्र मतलब जो हाथ में रख करके मारते हैं उसको बोलते हैं शस्त्र, दोनों से नहीं मार सके, कोई सजीव वस्तु भी हमको ना मार सके, कोई निर्जीव वस्तु भी हमको ना मार सके। अब दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सजीव हो या निर्जीव हो, बीच का कुछ रहेगा नहीं, तो वो भी नहीं मार सकते। 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में बस कोई महीना नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा, ऐसे करके हिरण्यकश्यप ने बोला 12 महीने में कोई महीने में हम नहीं मरने चाहिए, घर के अंदर भी नहीं मरने चाहिए और घर के बाहर भी नहीं मरने चाहिए। इतना सब कुछ मांगने के बाद ब्रह्मा जी ने बोला हो गया और कुछ बाकी, नहीं नहीं अब हो गया बस इतना ही, बस इतनी चीजों में हम ना मरें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है। उसको ये बात नहीं पता थी कि भाई ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु बोला है तो किस तरीके से उसके लिए पहले ही काल जो है वो तैयार हो चुका है। कैसे, जब ये जो हिरण्यकश्यप बहुत उत्पात मचा रहा था, अब ये मचाएगा, जब इतना सब उसको मिल गया अब तो कोई मार सकता नहीं, है ना। जैसा आप सोचिए एक ऐसा चोर जिसको पुलिस ने बोल दिया कि भाई तुमको नहीं पकड़ेंगे, है ना, तुम कुछ भी करो, कहीं भी चोरी करो, तुम्हें वो व्यक्ति भी पकड़ के लाएगा तब भी हम छोड़ देंगे, है ना। तो अभी ये हिरण्यकश्यप क्या हो गया, एकदम बिंदास, है ना, कहीं भी स्वर्गलोक जा करके स्वर्गलोक में पकड़ लाया सबको, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके, इन तीन लोगों को छोड़ करके बाकी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा था जो हिरण्यकश्यप के अंडर में नहीं था। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उसने जगत के नियम को बदल दिया। उसने कहा देखो बेचारे ये लोग जो तपस्या करते हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये लोग तो बड़े बेकार लोग हैं ना, बेचारे जीवन भर कुछ पा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसे लोगों को नरक भेजना चाहिए, जीवन में कुछ है ही नहीं उनके, है ना, तो ऐसे जीवन में नरक है, आगे भी नरक में भेजो इनको। और दूसरे लोग जो खूब अयाशी कर रहे हैं, खूब मजे उड़ा रहे हैं, अरे यही लोग तो जीवन जी रहे हैं, इन सबको स्वर्ग लोग भेजो। तो उसने क्या किया, दोनों के नियम को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इंद्र को बोल दिया देखो भाई अभी तुमको आई कोई जरूरत नहीं। अग्निदेवता ने बोला हमारा कोई काम, तुम्हारा भी कोई काम नहीं, सब हम अकेले ही कर लेंगे। सबको हटा दिया, कोई भी उस समय नियंत्रण नहीं कर रहा था, ना वायु देवता, ना अग्नि देवता, ना इंद्र देवता, एक ही राजा, एक ही काम, वही है कौन, हिरण्यकश्यप सर्वे सर्वा। उसने स्वर्ग में जो भेजने वाले थे उनको नर्क में भेजना, बेचारे जो तपस्या किए, पूरा पुण्य दान दान तपस्या सब करके बैठे, वो कहाँ जा रहे, वो नर्क में जा रहे, और जो जीवन भर कुछ नहीं किए, सब पाप में पड़े, उनको स्वर्ग कह रहा, तुम तो जीवन भर बढ़िया काम किए हो, यही तो करने वाला काम है, उनको कहाँ भेज देता, स्वर्ग लोग में।
देवता लोग त्राही त्राही करने लगे, सब गए भगवान विष्णु के पास, ये क्या हो रहा है, कुछ तो करिए। भगवान विष्णु ने कहा अभी उसको करने दो, अभी उसका टाइम है ना, उसको करने दो। जब वो व्यक्ति मेरे भक्त के प्रति अपराध करेगा, कब, जब मेरे भक्त के प्रति अपराध करेगा, अभी तो उसको कुछ नहीं करने देंगे, है ना, जब वो मेरे भक्त के प्रति अपराध करेगा तब मैं उसको मारूंगा। तब देवता लोग संतुष्ट हो गए, चलो भाई जाने वाला तो ये है, भगवान ने बोला है तो अब तो इसका टिकट कट गया है, अब कब वो ट्रेन में बैठने वाला है ये देखने वाली बात, टिकट तो कट गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये सब काम हो रहा होता है इधर, जब ये तपस्या करने इतने हजारों सालों तक मंदराचल पर्वत पर गया होता है, उधर कयाधु जो होती हैं वो गर्भवती होती हैं, है ना, और देवता लोग जो होते हैं कयाधु को लेके जा रहे होते, सोचते हैं अरे इसके गर्भ में तो इतना बड़ा राक्षस है, एक तो पहले ही हालत खराब करे हुए हमारी, दूसरा भी पैदा हो गया तो हम तो यही करते रहेंगे जीवन में, और कुछ रही नहीं जाएगा, तो पहले ही क्या करें, इसको गर्भ में ही क्या कर दें, ख़त्म कर दें। और वो लेके जा रहे होते हैं इंद्र देवता वगैरह, तो नारद जी रोक लेते हैं, कहते हैं नहीं तुम इसको मैं ही लेके जा सकते, क्योंकि ये इसके गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, महान शुद्ध भक्त है भगवान का, पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है और वो इसमें इस समय इनके गर्भ में है, तुम इसको मत लेके जाओ, छोड़ दो इसको। और नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में ले आए, और नारद जी ने पूरा भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं, लीलाएं, भक्ति की सारी विधियां, भक्ति में पूरा पारंगत कर दिया, किसको, कयाधु के साथ साथ प्रहलाद महाराज को भी। और ये तो प्रमाण है, गर्भ में तो बहुत सारे लोगों ने सीखा है, जैसे प्रहलाद महाराज ने गर्भ में सीखा, और किसने गर्भ में सीखा, अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा, है ना। तो ऐसा कहा जाता है जब शिशु जो होता है गर्भ में होता है उस समय हमें क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम भगवान की कथाएं श्रवण करनी चाहिए माता को, उसके माध्यम से क्या होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, शिशु पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा उसके ऊपर प्रभाव। तो कयाधु माता के जो गर्भ में प्रहलाद महाराज हैं वो तो एकदम शुद्ध भागवत हो गए, क्योंकि किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, नारद जी से, नारद जी को अपना गुरु मानते हैं वो, किसको मानते हैं नारद जी को, नारद जी को गुरु मानते हैं अपना। तो प्रहलाद महाराज के बारे में बोला जाता है कि उनका नाम बोला गया श्रीमद् भागवतम में कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, क्या नाम बोला गया, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। जैसे आप कभी कोई अपना चार्ट दिखाइए कुंडली वगैरह, तो उसमें बोलता है राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, आपका शनि जो है वो बहुत कमजोर चल रहा है ना, अभी मंगल को कुछ खिलाइए पिलाइए, है ना, क्योंकि मंगल ग्रह पर आपके छाया पड़ रही है ना, किसी की रोशनी पड़ती किसी की छाया पड़ती, तो ये जो ग्रह हैं इनसे कोई ना कोई हम प्रभावित रहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कौन से ग्रह से प्रभावित थे, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, ये सब ग्रह उन पर काम नहीं करते थे, राहु केतु शनि मंगल, वो भगवान कृष्ण से इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब रहते थे कि कोई सी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं, फुल एब्जॉर्प्शन, ओनली कृष्ण कॉन्सियसनेस, पूरे हर समय भगवान के लीलाओं को स्मरण करना, है ना, चिंतन करना। इसलिए प्रहलाद महाराज को बोला भी जाता है स्मरण में बड़े प्रधान, हमेशा भगवान में डूबे एब्जॉर्ब रहे उनकी लीलाओं में, उनके नाम में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा भगवान की इन लीलाओं में श्रवण, उसको सुनते जो उन्होंने अपने गुरु महाराज, किससे सुना है, प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से जो सुना हुआ है उसको रिमेम्बर करते रहना, भगवान की क्या क्या लीलाएं हैं, भगवान किस किस तरीके से, भगवान ने कृष्ण लीला किया राम लीला किया, उन सारी लीलाओं को उन्होंने नारद मुनि के मुख से सुना हुआ था और उसी को मंथन करते रहते थे। तो एक तरफ देखिए हिरण्यकश्यपु है, कहाँ किसका राजा है, वो पूरे विश्व का, ब्रह्मा विष्णु महेश व तीन लोगों को छोड़ करके बाकी सब कुछ किसके कंट्रोल में, लेकिन श्रीमद् भागवतम में आता है इतना सब कुछ नियंत्रण करने के बावजूद भी वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो फ्रस्ट्रेटेड था, सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि भौतिक में आप कितना भी संग्रह कर लीजिए वो आपको सुख नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ 5 वर्ष के प्रहलाद महाराज, क्या है उनके पास, कुछ नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से संतुष्ट, क्यों, क्योंकि भगवान को अपने आप अपने जीवन में केंद्र बिंदु बना करके रखा है, तो इसलिए पूरी तरीके से संतुष्ट। सोचिए किस प्रकार से भगवान की चीजें हमको संतुष्ट कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, इनको पढ़ने लिखने के लिए किसके पास भेजा हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को, संड और अमर के पास। ये दोनों कौन थे, ये शुक्राचार्य के पुत्र थे, शुक्राचार्य तो जानते हैं राक्षसों के गुरु हैं, तो अपने बेटों के पास, शुक्राचार्य जी उस समय थे नहीं, तो कहा संड अमर के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। तो एक बार की बात है, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को बुलाया, प्रहलाद महाराज को बहुत प्रेम करता था हिरण्यकश्यपु अपने, क्योंकि प्रहलाद महाराज सबसे छोटे बेटे थे और छोटे बेटे से प्रेम तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होता है,
तो फिर क्या किया, प्रहलाद महाराज को बुलाया, बहुत प्यार से बुलाया और अपने अपने पास बुलाया, उसके सिर उनके सिर को सूंघा, है ना, और उनसे बड़े प्रेम से पूछा। छोटे छोटे बच्चों से पूछते ना मम्मी पापा, कहते बेटा आपने क्या पढ़ा घर आज स्कूल में, आज आपको मैम ने क्या पढ़ाया, पूछते तो ऐसे ही इन्होंने भी हिरण्यकश्यपु ने प्रेम से पूछा, प्रहलाद आपको आपके गुरु ने क्या सिखाया, क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, है ना। अभी गुरु किसको मानते हैं प्रहलाद, और हिरण्यकश्यपु किसको पूछ रहा था, संड और अमर को। अब नारद, ये तो नारद जी को उनको गुरु मानते ही नहीं है, प्रहलाद महाराज संड अमर को गुरु मानते ही नहीं, क्योंकि वो संड अमर क्या है, भौतिक ज्ञान जगा रहे थे, कैसे दूसरों से दुश्मनी रखो, कैसे दुश्मन को धोखा दे के निकल के जा सकते हैं, है ना, कैसे पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, कैसे को उसको दबा करके उसके ऊपर शासन किया जा सकता है, ये सब सिखाए थे प्रहलाद। ये क्या बकवास सिखा रहे, प्रहलाद महाराज उनको गुरु मानते ही नहीं थे, क्योंकि गुरु का मतलब ही ये होता है जो शास्त्रों से आधारित ज्ञान को परंपरागत तरीके से एज इट इज़ बताए, ये फालतू की चीज़ ना बताए, इस संसार से संबंधित, संसार से संबंधित चीज़ों के लिए गुरु नहीं है, गुरु का कार्य क्या है, आध्यात्मिक चीज़ों को पहुँचाने के लिए। तो वो उनको गुरु मानते नहीं थे, और हिरण्यकश्यपु ने क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया। क्वेश्चन क्या पूछा कि आपने अपने गुरु से क्या सबसे अच्छी चीज़ सीखी, जब ऐसा पूछा तो वही बताने वाले जो नारद जी से सीखा है, उन्होंने बोला तत्साधु मन्ने अशुर्वर्य देहिना सदा समुद्विग्न अधियद असद्ग्रहात। उन्होंने बोला हे मेरे पिता असुरवर्य, आप तो असुरों के राजा हैं, मैं तो इस बात को सबसे अच्छा मानता हूँ, किस बात को, भगवान की भक्ति को, यही सबसे अच्छी चीज़ है, किसकी भक्ति को, विष्णु की भक्ति सबसे अच्छी है, विष्णु हिरण्यकश्यपु का कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है। और उन्हीं को छोटा बच्चा क्या बोला कि वही तत् साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र विघ्न अधीय असद्ग्रहात, इस संसार के लोग क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत चीज़ को पकड़ करके रखा हुआ है, इसीलिए इस संसार के लोग क्या हैं, परेशान रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी नहीं है, है ना, और आपने गाड़ी खुली थी, आप फोल करके बैठ गए अंदर और कहा मेरी गाड़ी, है ना, कितना बढ़िया हॉर्न देखो कितना बढ़िया बज रहा है ना, स्टेयरिंग भी बढ़िया चल रहा है ना, तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद, जिसकी होगी वो आएगा और कुछ साथ में आपको देगा भी, है ना, साथ साथ में, क्यों, क्योंकि आपने गलत चीज़ का प्रयोग किया। या फिर एक सिंपल एग्जांपल, आपका घर मान लिया दरवाज़ा खुला हुआ था और एक ऐसे ही कहा अरे दरवाज़ा खुला है चलो घुसते हैं, घुस गया और सोफे बैठ जाए बढ़िया टांगे ऊपर करके, और तो कहे रिमोट पड़ा हुआ, रिमोट से टीवी चला ले और बढ़िया वहाँ से आपके फ्रिज से खोल करके पॉपकॉर्न वगैरह निकाले और मस्त पॉपकॉर्न खा के टीवी देख रहा है, और आप आए कहे ये कौन बैठा भाई, आप आए हैं तुम कौन, कहाँ से कैसे आ गए, फिर आप तो उसका स्वागत अच्छे से करेंगे ना अपने तरीके से, है ना, क्यों, क्योंकि उसने गलत चीज़ को स्वीकार किया जो कि उसकी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बताया कि उनको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, कहा हमको तो अपने गुरु से ये बात सबसे अच्छी लगी कि संसार के लोग क्यों दुखी हैं, क्योंकि गलत चीज़ जो उनकी नहीं है उसको अपना मान करके बैठे हुए हैं। असद ग्रहात, क्या है असद, ये शरीर, ये शरीर क्या हमारा है, क्या नहीं हमारा नहीं है, लेकिन हम मान, देखिए अब सुबह से लेकर के रात तक हम यही सोचते हैं ये शरीर किसका, मेरा शरीर को ये, शरीर को वो, शरीर को ये, शरीर को वो, ये शरीर किसका है, भगवान का है। अगर ये मान करके हम कार्य करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब हमें कोई भी दिक्कत और कोई भी समस्या नहीं, ये बताया जब प्रहलाद महाराज ने। और इतने पर नहीं रुके उन्होंने आगे बताया, पिताजी अगर आप अपना, आप जैसा गृहस्थ व्यक्ति जिसकी मति सिर्फ अपने परिवार में और ये बीवी बच्चों में ही लगी रहती है, ऐसे व्यक्ति को अपना घर छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए घर को छोड़ करके। अब आप सोचिए हिरण्यकश्यपु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो कई कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि ये प्रहलाद महाराज ने ऐसा क्यों बताया कि गृहस्थ व्यक्ति को घर छोड़ करके चला जाना चाहिए, अरे ये उन लोगों के लिए है जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपना समय भगवान की सेवा में निकालते हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो घर रहें या बाहर रहें वो तो एक ही जैसे है ना, घर ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको, है ना, मेन काम क्या है, घर छोड़ना है भक्ति करना, भक्ति करना। जैसे आपको एग्जाम्पल दें, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर एक सोने की थाली रखी हुई है और एक तरफ केले के पत्ते पर भोजन रखा हुआ है, बताइए क्या खाएंगे, सोने की थाली खाएंगे या केले की थाली का, थाली के ऊपर जो खाना है वो खाएंगे, और तो सोने का थाली उधर तो
भोजन नहीं है ना, तो वैसे ही जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है या वैराग्य लेना है? भक्ति करना जीवन का उद्देश्य, और भक्ति जिस अवस्था में जैसे भी हो पाए वो बढ़िया है। भोजन करना उद्देश्य है ना, थाली उद्देश्य नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप जैसा जो व्यक्ति जो पूरी तरीके से भगवान को फॉलो ही नहीं करता, इतना असुर वर्य है, उसको क्या करना चाहिए? तुरंत सब छोड़ना चाहिए, चुपचाप वन चले जाना चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अभी हिरण्यकश्यपु तो मतलब तुम शौक रह गए। अब सोचिए इतना जो असुर व्यक्ति है उसको बोलोगे घर छोड़ करके चले जाओ, वन में चले जाओ, तो तुम्हारा कुछ होने वाला है? अभी कुछ होने वाला नहीं है, शौक रह गए। लेकिन क्या है, छोटा बच्चा है, बच्चा है ना, छोटे बच्चे को भी कुछ भी बोल देते हैं। तो जब वो सब बेचारा बहक गया होगा, है ना, कोई इस्कॉन का डिवोटी आ गया होगा, पहला फुसला दिया होगा, है ना, तो इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो फिर उन्होंने गुस्सा नहीं हुए। देखिए पहली बार में हिरण्यकश्यपु गुस्सा नहीं हुए, छोटा बच्चा है, बोल देता है कभी कभी, किसी के बहकावे में आ गया होगा, बच्चे हैं। तो उन्होंने सर नंबर को बुलाया, कहा देखो तुम लोग जान नहीं रहे हो, कोई इस्कॉन के डिवोटीज आ रहे हैं आश्रम में, है ना, वो इसको कुछ पढ़ा दिए इसको, है ना, इस्कॉन डिवोटी मतलब कोई वैष्णव आ रहे हैं, वैष्णव के बारे में बता रहे हैं इसको, है ना, और ये देखो कैसी कैसी बातें कर रहा है, अभी ध्यान रखो आइंदा से कोई आना नहीं चाहिए। संडम ने कहा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, हमने तो पढ़ाया नहीं इसको, हम तो सवर्ण शास्त्र राजनीति शास्त्र ये सब पढ़ा रहे हैं इसको। वो लोग उसको वापस लेकर के चले गए, ठीक है भाई, फिर पढ़ा लिखा करके उसको सेकंड टाइम हिरण्यकश्यपु के सामने लेके आए, बड़ा गौरवान्वित किया, अभी सब बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएं इसको, अभी तो हमारा वंदना होने वाली है। हिरण्यकश्यपु बोलेगा हाँ अभी तो भाई तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो ये बोल रहा है सब, कह रहा है उस राजा को मारो, इसको शासन करो। अब इस बार सेकंड टाइम में सेम सिचुएशन, फिर बड़े प्यार से हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, बेटा प्रहलाद हाँ आपने अपने गुरु से सबसे अच्छी बात क्या सीखी? तो हिरण्यकश्यपु फिर सोचने, गुरु तो मतलब गुरु कौन, नारद जी गुरु हैं, नारद जी गुरु तो सन नंबर खाए नहीं, हम नारद जी से कौन सी अच्छी बात सीखी? तो फिर वो उनका रियलाइजेशन आया, उन्होंने कहा पिताजी हमने तो सबसे अच्छी बात क्या सीखी ये सुनिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा कब बताओ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इतिर्पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। वो बोलते हैं भाई ये जो नौ चीजें हैं ये व्यक्ति को करना चाहिए, जीवन का यही लक्ष्य है। क्या? श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करो, भगवान के बारे में कीर्तन करो, भगवान की प्रार्थनाएं करो, है ना, भगवान को प्रणाम करो, है ना, ये जो नवधा भक्ति है यही जीवन का लक्ष्य है। और वो किसके प्रति? इतिर पुंसा पिता विष्णु, किसके लिए करना है ये सारी चीजें? देवी देवता के लिए नहीं, किसके लिए? विष्णु के लिए। पिताजी ये हमको विष्णु जी के लिए श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अब श्रवण कीर्तन समझ रहे हैं, मतलब बैठ करके भगवान विष्णु के बारे में उनकी गाथाएं सुने, भगवान के बारे में बोलें, गुणगान करें। अब सोचिए हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में कथाएं करनी चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। अभी इस बार तो हिरण्यकश्यपु एकदम आग बबूला हो गया, पहली बार तो कंट्रोल कर लिया था अपने आप को। अब आप सोचिए जिसके भाई को मारा गया है, जिस व्यक्ति के द्वारा, किसने मारा भाई को? विष्णु भगवान ने मारा। अब उन्हीं के बारे में प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि क्या करें, उनका गुणगान करें, उनके बारे में सुने, उनको प्रणाम करें, है ना, उनके उनकी दास्यता करें, उनसे सख्य भाव करें। तो भाई ये तो बहुत क्रोध की बात है। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं, ये इसका मतलब तुम ये सब कहाँ सीख रहे हो, ये सब तुमने किसने तुमको सिखाया, किससे पूछ रहे हैं? प्रहलाद महाराज ने कहा, उन्होंने बोला नारद जी का नाम लेंगे नहीं, यानी नारद जी का नाम लेंगे, नारद जी को चार बातें सुनाएगा और गुरु के बारे में हम सुन पाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए पिताजी हमने ये सब कहीं से नहीं सीखा, जैसे एक जो चुंबक होता है वो अपने आप ही लोहों को आकर्षित कर लेता है, ऐसा क्या उसमें कुछ मशीन लगानी पड़ती, नंबर सेट करना पड़ता है क्या कि हाँ भाई ये चुंबक जो है ये लोहों को करेगा आकर्षित? तो वैसे ही मेरा मन जो है अपने आप ही भगवान की कथाओं को और ग्लोरीज को अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है, कोई ऐसा नहीं कि किसी ने हमको सिखाया या बताया। ये सब क्यों कहा? ताकि नारद जी को कुछ बोले मत। कौन? हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु ने उनसे बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, भगवान इतने अट्रैक्टिव हैं कि तुमको आकर्षित कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं आकर्षित हो, मैं क्यों आकर्षित नहीं होता? तब वो प्रहलाद महाराज बोलते हैं आप नहीं आकर्षित हो सकते भगवान से। क्यों? क्योंकि मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथोभिपद्येत ग्रह व्रतानाम। बोलते हैं जिस व्यक्ति की बुद्धि सिंपल सिर्फ घर के काम काजों में ही लगी हुई है ना,
सिर्फ उसी में वो बस वही समझता है, कूप मंडोक, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, गृहवतानाम। ऐसा व्यक्ति जो वो ना तो किसी के कहने से उसको समझ में आएगा, ना कहीं चर्चाओं में समझ में आएगा उसको, क्योंकि उसकी बुद्धि सिर्फ कहाँ पर है, अपने घर और कूप मंडूक जैसे, उसको समुद्र जो भगवान रूपी जो समुद्र है उनके बारे में उसको समझ में आने से रहा। तो आपके समझ में पिताजी नान नहीं आएगा, आप रहन दो, है ना, ऐसे करके उन्होंने कह दिया। तो उनसे हिरण्यकश्यप बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता हूँ, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, मेरे बेटे बन के मुझसे ज़्यादा जानते हो क्या, है ना, किसके बेटे, मेरे बेटे हो ना, मुझसे ज़्यादा जानते हो क्या। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, पिताजी आपको लगता है कि आप जानते हो, लेकिन एक्चुअली में आप नहीं जानते हो। तो उन्होंने कहा, क्या नहीं जानते हैं, नते विदुह स्वार्थ गतिम हि विष्णु, है ना, आप ये बात नहीं जानते हो कि जीव का असली स्वार्थ कहाँ पर है। स्वार्थ, असली स्वार्थ कहाँ है हमारा, भगवान की भक्ति करने में। स्वार्थ का मतलब क्या होता है, कोई लोग होते हैं बड़े बड़े स्वार्थी हो, तो भाई आपको मैं अगर बोलूं कि स्वार्थी होना अच्छी बात है, आप बोलोगे प्रभु जी ये क्या बात बोलो, स्वार्थी होना तो गलत बात होती है। नहीं, मैं बोलता हूँ स्वार्थी होना अच्छी बात होती है, और सारे शास्त्र आचार्य बोलते हैं स्वार्थी होना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्वार्थ क्या है। स्वार्थ को अगर आप डिफाइन करें, स्व अर्थ, स्व मतलब मेरा, अर्थ मतलब जिससे हमारा काम हो, जिससे हमको बेनिफिट मिले। तो लोग क्या सोचते हैं, स्वार्थ कैसा है, पैसा ज़्यादा आ जाए, बिल्डिंग ज़्यादा बना लें, है ना, पहचान ज़्यादा हो जाए, ये स्वार्थ को मानते हैं। ये असली स्वार्थ नहीं है। असली स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु के चरणों के प्रति अनुराग हो जाए, भगवान की सेवा करने में मन लगे, भगवान के बारे में श्रवण करने का खूब मौका मिले, ये स्वार्थ है। ललायित रहना कि हमें भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान का स्मरण करना है, ये असली स्वार्थ है। और पिताजी आप ये नहीं जानते हो, आपको क्या लगता है इस संसार में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना करके, बड़ा बड़ा शासन करके, देवताओं पर नियंत्रण करके आप सुखी हो जाओगे, आप जानते ही नहीं हो। आप हिरण्यकश्यप तो इतना जब उसने सुना कि विष्णु की सेवा करना असली स्वार्थ है, और आप तो बिल्कुल स्वार्थी नहीं, आप तो कुछ पता ही नहीं है, उसने प्रहलाद महाराज को गोदी में लिया था, फेंक दिया अपनी गोदी से, प्रहलाद महाराज नीचे गिरे जा करके। और प्रहलाद महाराज बहुत विनम्र हैं, भक्त की देखिए सबसे पहली चीज खासियत क्या होती है, विनम्रता, बहुत विनम्र रहता है। विनम्र हम कैसे रहेंगे, देखिए जैसे मैं आपको बहुत ग्लोरीफाई कर दूं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, तो आपको कोई भी कुछ बोलेगा, बोलेगा हमको क्यों बोला, हमको अभी सुना नहीं तुमने, देखो कितना हमारा ग्लोरीफिकेशन हुआ, हम कम है क्या तुमसे, तो अभी क्या हुआ, हमारा अहंकार जो है वो पोषित हो जाता है। लेकिन भक्त हमेशा ये बात जानता रहता है कि मैं कौन हूँ, भगवान का दास हूँ, और भगवान का दास हूँ, और भगवान की ये पूरी सृष्टि है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, इस बात से वो हमेशा जानता रहता है। इसलिए कभी भी उसको कोई परेशान कर नहीं सकता, भक्त ना तो कभी किसी को परेशान करता है और ना कोई उसको परेशान कर सकता है। हमको ये कैसे संभव है, अभी देखिए प्रहलाद महाराज को कोई परेशान कर पाया क्या, कोई नहीं परेशान कर पाया, क्योंकि वो हमेशा भगवान की लीलाओं में रहता है, मस्त रहता है। तो प्रहलाद को फेंक दिया नीचे और बोल दिया सबसे, मार डालो इसको अभी, है ना, सारे जो असुर राक्षस थे वो सब अपने हाथ में भाला लेकर के दौड़ पड़े, प्रहलाद महाराज बीच में हैं और सब भाला लेकर दौड़ पड़े, और उनकी जो नरम नरम खाल है उस पर भाला मार रहे हैं, नहीं भाला को जा ही नहीं रहा है अंदर, है ना, क्योंकि भाले के अंदर भी और उन जो राक्षस मार रहे हैं उनके अंदर भी तो भगवान ही बैठे हुए हैं ना, तो उनमें बल ही खत्म कर दे रहे हैं, तो भाला जाता है यहाँ तक आता है, शरीर में स्पर्श तक नहीं होता, सब पूरा दम लगा रहे हैं, पूरा सबकी एकदम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ वो जा ही नहीं रहा है। अरे बड़ा परेशान, तो हिरण्यकश्यप बोला ऐसा नहीं मर रहा है क्या, चलो दूसरे उपाय करो। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, और अनेक उपाय किए, श्रीमद् भागवतम में आता है, सबसे पहला उसने क्या किया, कहा हाथी के पाँव के तरफ कुचल डालो, है ना, अभी तुम लोग नहीं काम कर पा रहे हो, हाथी को बुलाओ। हाथी को लाया गया, उसको खूब नशा दिया गया, खूब मदिरा पिलाई गई, और प्रहलाद महाराज को छोड़ दिया गया। हाथी आया एकदम स्ट्रेट चला जहाँ प्रहलाद महाराज थे, उधर से मुड़ गया और प्रहलाद महाराज को भी छोड़ दिया, क्योंकि हाथी के भी हृदय में कौन है, भगवान ही बैठे हुए हैं। जब भगवान नहीं चाहते हैं, मारे कृष्ण तो राखे के, और राखे कृष्ण तो मारे के, कितना भी उपाय कर लो व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता। फिर वो क्या किया गया, उनको बड़े बड़े भयानक सर्पों के बीच में छोड़ दिया गया, एक क्वाल कोठरी में बंद कर दिया गया और अनेक सर्प छोड़ दिए गए। सर्प आराम से वहीं पर खड़े हैं, प्रहलाद महाराज वहीं पर श्रवण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सारे
सांप भी आराम से वहाँ पर, जैसे एक सपेरा बीन बजाता है वो मस्ती से नाचते हैं, वो सब वहाँ नाच रहे हैं। फिर क्या किया, तांत्रिकों को बुलाया गया। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, एक यहाँ बैठेंगे और उस घर में कुछ ऐसा ऐसा करेंगे, उस घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उस व्यक्ति का दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तांत्रिक लोग कर लेते हैं ये, उनको बुलाया गया। तांत्रिकों ने किया, वो खुद ही पगला गए। क्योंकि होता क्या है, तंत्र का एकदम सिंपल सा रूल है, आपने जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र अप्लाई किया, काला जादू अप्लाई किया, अगर वो व्यक्ति स्ट्रांग निकला, उसके ऊपर नहीं लग पाया, वो डिवोटी निकला, तो वापस जिसने वो किया था उसी को पागल कर देता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी तांत्रिक होते हैं आधे पगला वैसे ही दिखाई देते हैं, है ना उनका, क्योंकि कभी कभी वो सब उनका सही नहीं हो पाता है, वापस उनके ऊपर आ जाता है उनका, इसलिए चेहरा भी देखिए कैसा कैसा हो जाता है। तो इसलिए उनको वो किया गया, पर्वत की चोटी से फेंक दिया गया, है ना, पर्वत की चोटी से फेंका गया, लेकिन एकदम वहाँ पर नीचे ऐसा लगे कि गुलाब की पंखुड़ियों पर गिरे, मस्त से कोई खरोंच तक कुछ नहीं आई। कई मायावी तरकीबें की गई, विष दे दिया गया उनको, है ना, भूखो रखा गया, कालकोत्री मन कर दिया गया, खाना ही नहीं दिया गया, एकदम हस्ट पुष्ट, है ना, भगवान हृदय में शक्ति प्रदान कर रहे हैं, कौन क्या कर सकता है। उनको ठंडी हवा में, अग्नि में, जल में रख करके भारी पत्थर ऊपर फेंक दिया गया प्रहलाद महाराज, क्या क्या नहीं किया गया, सोचिए। हमारे जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आती है, हम कहते हैं प्रभु जी, है ना, भक्ति थोड़ा सा रोक देते हैं, बाद में करेंगे, है ना, अभी क्या है, ये थोड़ा समस्या आ गई ना जीवन में। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में समस्या क्या है, वो तो पूरा पहाड़ी पहाड़ उनके जीवन में आ रहे हैं, वो डायरेक्ट पहाड़ आ रहे हैं। हम लोग तो बोलते हैं कि भाई समस्याओं के पहाड़ हैं, वहाँ तो डायरेक्ट ही पहाड़ आ रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज का इतना फेथ है भगवान के ऊपर कि भगवान जैसा चाहें वैसा कर रहे हैं, है ना, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं उनको याद करके। एक भी व्यक्ति उनको हानि नहीं पहुँचा पाया भगवान, उनको प्रहलाद महाराज को। तो हिरण्यकश्यपु की प्रॉब्लम क्या हुई, उसने कहा चलो ये मर नहीं रहा, ये तो चलो छोड़ो, ये तो हम पूरा प्रयास कर लिए, अभी ये नहीं मरा। उसको दूसरी दिक्कत क्या हुई, अब इसको इतना मारने का प्रयास किया है, छोटा बच्चा है, अभी जब ये बड़ा होगा तब सोचेगा कि पिताजी आप उनको बहुत मारे थे ना छोटे पे, खूब ऊपर से फेंके, पत्थर फेंके, सांपों के बीच में डाले, है ना, अब हम बदला लेंगे, अब इसको तो मार पाएंगे नहीं, और ये हमें बड़ा होकर बदला लेगा, तो क्या किया जाए। बड़ा परेशान हिरण्यकश्यपु, तो सन नमर खाए, कहा देखिए ज़्यादा परेशान होइए मत, बच्चा है छोड़िए उसको, अभी इसको हम लेके जाते हैं गुरुकुल में फिर से, है ना, और इस बार एकदम टाइट एजुकेशन देंगे, है ना, कहीं भी पूरा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज रहेंगी हमारे पास, और एकदम बढ़िया से उसको क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, इस बार कोई गलती नहीं होगी, इस बार हमको एक बार मौका दीजिए। और शुक्राचार्य जी भी आने वाले हैं, उनकी सेवा करेगा तो मति तो भ्रष्ट हो ही जाएगी, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ना अभी वो आने वाले हैं। उन लोगों ने जब समझाया इसको तो कहा कि तो मान गया, उसने कहा देखो तीन चीज़ें करेंगे इसको, एक तो वरुण पास से बांध करके रखेंगे प्रहलाद महाराज को, दूसरा हम लोग तो इतने इंटेलिजेंट हैं, है ना, हम लोग ये वाला ज्ञान देंगे उसको पूरा भौतिक जगत का, है ना, उसको सिखाएंगे दुश्मनी कैसे करो, धोखा कैसे दो, ये सब सिखाएंगे तो उसकी बुद्धि हट जाएगी भगवान विष्णु से, और तीसरा भैया शुक्राचार्य जी आ रहे हैं तो उनकी सेवा करेगा तो और मति भ्रष्ट हो जाएगी जो थोड़ी बहुत बच्ची होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है ये भी बढ़िया ऑप्शन, अभी तो और कुछ कर नहीं सकते, मर तो रहा नहीं है, चलो भाई ले जाओ फिर इसको। अब ये लोग वहाँ गए, इसको धर्म अर्थ काम तीन चीज़ों की शिक्षा देने लग गए, मोक्ष की शिक्षा नहीं दे रहे, तो मोक्ष तो भाई गलत चीज़ हो गई ना उनके लिए, उनके राक्षस में वो सब आता नहीं है मोक्ष का काम, उनको तो इस संसार में भोग करना है, मोक्ष उनके आता ही नहीं है लाइन में, है ना। तो धर्म अर्थ काम की शिक्षा दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कैसे दुश्मनी रखो, कैसे दूसरों को धोखा दो, है ना, किस तरीके से नुकसान पहुँचाओ। और प्रहलाद महाराज को इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कहते क्यों किसी को धोखा दो, क्यों कोई हमारा दुश्मन है, सब लोग भगवान के अंश हैं, जिसको मिलो भगवत भावना बताओ, सब मित्र हैं, सबकी शिक्षा, वो एक कान से सुनते इधर से निकाल देते हैं, है ना, इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि कोई बोलते ये दुश्मन है दोस्त है, क्या दुश्मन दोस्त क्यों बोल रहे हो। देखिए आप देखिए दुश्मन और दोस्त क्या है, हमारे मन की उपज है। अभी देखिए आपको जो काम अच्छा लगता है वो काम किसी दूसरे को भी पसंद है, आपका दोस्त हो गया। जो काम आपको अच्छा लगता है वो कोई दूसरे को नहीं अच्छा लगता, वो कौन हो गया, दुश्मन हो गया। तो ये दुश्मन दोस्त किसने उत्पन्न किया, ये हमारे मन की उपज है, कोई दुश्मन दोस्त नहीं है, सब लोग भगवान के अंश हैं, चाहे वो पशु हों पक्षी हों, और जिसको भी मिल जाए उसको भगवान के भावना के बारे में बताना चाहिए। ये किसकी सोच थी, प्रहलाद महाराज की। लेकिन ये उधर जो कूटनीति अर्थशास्त्र ये सब कौन सिखा रहा था, सांडवरा मार्ग। तो एक बार क्या हुआ भाई, देखिए अब रोज रोज तो सीसीटीवी पूरा देख रहे थे इनको पूरा कि भाई ये कुछ गड़बड़ ना करे। एक बार क्या हुआ, सांडवरा मार्ग फंस गए घर के कुछ काम में, ठीक है, घर के काम में क्या हो गए, फंस गए। अब इधर प्रहलाद महाराज ने देखा मौका है बढ़िया, उन्होंने कहा बेचारे ये सारे जो असुर बालक हैं
ये सब बेचारे इनको कोई भगवान की भक्ति के बारे में बताता ही नहीं है, ये तो बस ऐसे जीवन जी रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा चलो सब लोग आ जाओ इधर, है ना, अभी सब लोग इधर आओ, आज तुमको एक नया सिलेबस दिखाएंगे, नया NCERT सिलेबस चेंज, है ना, आज से तुम्हारा नया सिलेबस। उन्होंने कहा चलो कुछ नया सीखते हैं। सब लोग कह रहे थे चलो खेलें खेलें, अभी तो हम बालक हैं। उन्होंने कहा बालक खेल वेल बाद में लेना, पहले सुनो तुमको एक चीज़ सुनाता है। तो क्या है सुने? तो कहा देखो मनुष्य जीवन जो है ना बहुत छोटा है। अच्छा तो बहुत बड़ा भी तो बहुत बार नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो मैक्सिमम कितने साल जी सकते हैं? 100 साल मैक्सिमम, अभी तो 60 साल मानो। उसमें से भाई हर दिन तो 6 घंटा तो मिनिमम सोते ही हैं। उसमें कुछ महापुरुष भी हैं 8-8, 9-9 घंटे वाले भी हैं, उनको अगर साइड में कर दें तो मिनिमम 6 घंटे तो हर व्यक्ति सोता है, ठीक। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे तो सो गया, ठीक। तो 1/4 पीरियड मतलब 100 साल अगर जीवन माने तो कितने साल हमने सोया? 25 साल हमने सिर्फ क्या किया? तो सोए में कुछ काम कर रहे थे क्या? वो तो सोते हुए चला गया। तो बच्चे कितने साल? 75 साल, 75 साल बचे, है ना। ऊपर से जब तक 20 साल तक तो व्यक्ति को कुछ पागल ही रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि समाज क्या है, लोग क्या हैं, हम कौन हैं, वो तो सब सीखने पढ़ाई में ही समय वेस्ट हो जाता है। और लास्ट के 20 साल वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो तो बेड पे पड़े रहेंगे, कोई चाय दे दिया, दूध दे दिया तो दे दिया, वरना पढ़े हैं तो पढ़े, है ना। तो वो 20 साल तो ऐसे ही चले गए, 20-20, 40 साल तो ये गए, अब 75 से 40 साल तो चले गए, साफ साफ चले गए, कितने बचे? 35 साल बचे। और उसमें भी वो क्या है, युवावस्था में मदहोश रहता है, है ना, वो सोचता है हमको जॉब करना है, पैसा कमाना है, है ना, विवाह करना है, बच्चे हैं, ये सब उसमें उसका मति जाता रहता है। तो समय कहाँ बचा उसके पास भक्ति करने का? समय बताइए कहाँ है? तो व्यक्ति सोचता है अरे तुम्हारे पास बहुत समय पड़ा है। अरे भाई ध्यान से समझो, आगे कुछ आगे ना शरीर का साथ देगा ना चीज़ें साथ देंगी हमारा। तो प्रहलाद महाराज उनको समझाते हैं, कौमाराताचरेत प्राज्ञः धर्मान् भागवतानिह। अरे असुर बालकों, तुमको मैं क्या बता रहा हूँ, अभी से कौमार अवस्था से ही भगवान की सेवा करो, भगवान के प्रति प्रीति डेवलप कर लो, है ना, तब तुम किसी भी अवस्था में भगवान की सेवा कर सकते हो, ये जीवन का उद्देश्य है। उनकी तो बुद्धि खुल गई, है ना। और सारे बालकों को कहा चलो सब लोग खड़े हो, हम लोग हरे कृष्ण हम पे कीर्तन करेंगे। और उन सब लोगों को कीर्तन लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये सब भाई काम हो रहा, सब वहाँ पे झूम रहे बच्चे, और प्रहलाद महाराज बीच में नाच रहे, सब लोग घेरा नाच रहे, सब लोग भगवान का कीर्तन कर रहे, कूद रहे, है ना, जैसे हम लोग जय प्रभुपाद बोल करके कूदते हैं। अब सर्ड नंबर का भाई काम घर का पूरा हो गया। उन्होंने कहा चलो देखते हैं भाई, देखते हैं पढ़ाई वढ़ाई, कुछ लोगों का बच्चों का आज लेट भी हो गया हमको। अब यहाँ आकर के उन्होंने देखा, कहा ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर तो ये सब क्या चल रहा है, अब यहाँ पर उनको राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र सिखाने आए तो ये सब क्या कर दिया। अरे ये तो बड़ा संक्रामक बीमारी हो गया है प्रहलाद, तो बड़ा खतरनाक, ये पहले एक था अभी 10 पैदा कर दिया यहाँ पे, इसको ज़्यादा देर रोकेंगे हम भी थोड़े दिन के बाद कीर्तन करने लग जाएंगे। वो बड़े घबरा गए। वो संत नमर ने बोला अब तो हिरण्यकश्यप वगैरह जाना ना तो सीधे हम लोगों को मार ही देगा, वो बाद में पूछेगा हुआ क्या, है ना। तो इसलिए वो बहुत अच्छे, श्री राधा कृष्ण भगवान की गौणता एक ही, सो वो जो सन नंबर थे वो बहुत घबरा गए, है ना। क्यों घबरा गए? किसके डर से? हिरण्यकश्यपु के डर से। क्यों हिरण्यकश्यपु के डर से? हाँ वो डंड देखो जाने का, अरे तुमने इतने सारे मेरे बच्चे को तो पढ़ाया नहीं, ऊपर से और भी सारे बालकों को भी विष्णु भक्त बना दिया। वो लोग तुरंत प्रहलाद महाराज को पकड़े, कहा अपनी सेफ्टी इसी में है कि खुद ही ले जा करके अपना अपराध स्वीकार कर लो। अब प्रहलाद महाराज को ले गए, कहा भाई ये बच्चा जो है ये कांड कर दिया वहाँ पर, और लोगों को भी क्या कर दिया, विष्णु भक्त बना दिया। आप जब ऐसा सुना उसने, किसने? हिरण्यकश्यपु ने। हिरण्यकश्यपु ने अब तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पानी जो है सर के ऊपर से चला गया। तो अभी तक हिरण्यकश्यपु ने पर्सनली कुछ नहीं किया था, सब कुछ किससे करवाया था? असुरों से बोला था। अभी क्या हुआ, उसके जो है पानी जो है वो सिर के ऊपर से जाने लगा, और उसने क्या किया, कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हन्तु मनोदधे छित्वा परुषया वाचा प्रहलाद मत अधरहणम। उसने ये सोचा आज खत्म काम, बहुत हो गया, आज मैं प्रहलाद को मार डालूंगा। और देखिए आप याद करिए,
विष्णु भगवान ने क्या बोला था, हिरण्यकश्यपु का अंत कब आएगा, जब ये भक्त के प्रति अपराध कर, जब तक भक्त को नहीं छू रहा है इसको करने तो बिंदास, जितना इसको ये कर रहा है इस भौतिक जगत में अपना राजा बन रहा है ये कर रहा है, भक्त को जब टच कर देगा ये, बस उस समय समझ जाइए इसका हो गया, अंतिम समय आ गया। उसने ये सोच लिया कि अब मैं ये प्रहलाद को मारने वाला हूँ। अब प्रहलाद महाराज एकदम शांति से अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने पिताजी को देख रहे हैं, और ऐसा नहीं उनके मन में सम्मान नहीं है। देखिए भक्त बनने का ये मतलब नहीं होता है कि आपके जो भौतिक संबंध हैं उनके प्रति आपके अंदर सम्मान नहीं रहेगा, है ना। वो भक्त हैं, वो जानते हैं मेरे पिताजी असुर हैं तो क्या हुआ, मैं सम्मान करूंगा क्योंकि ये मेरे पिता हैं, उनको सिखाना है ना। तो फिर वो पूरे सम्मान के साथ विनम्र हो करके बात नहीं मानेंगे आपकी जो भक्ति के विरोध में है, लेकिन ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं है आपके प्रति, है ना, क्योंकि आप भक्ति के विरोध में बोल रहे हो इसलिए आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये शास्त्र भी कहते हैं कि हमारे संबंध हैं उनको हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भक्ति के विरोध में हो। तो उसके बारे में तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि तजहूँ ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैरी। अगर किसी व्यक्ति को भगवान श्री राम और सीता जी से प्रेम नहीं है, उनके हृदय में वो भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, कितना भी हमारा प्रेमी व्यक्ति हो, बहुत प्रेम हमसे करता हो, उसको अपने करोड़ों दुश्मन समझ करके त्याग देना चाहिए। किसने किसने त्याग किया, विभीषण ने अपने सगे भाई का त्याग कर दिया, सगे भाई से प्रेम नहीं होता है, त्याग कर दिया, क्यों, क्योंकि भगवान के विरोध में। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, क्यों, क्योंकि भगवान के विरोध में है। भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया, है ना, कहा माता ही नहीं बोलेंगे तुमको, क्यों, क्योंकि तुम्हारी वजह से भगवान राम जो हैं मुझसे दूर। तो ये शास्त्र कहते हैं, यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने पूरे सम्मान के साथ उनको रेसिप्रोकेशन किया। अब हिरण्यकश्यपु टेढ़ी नजरों से घूर रहा है प्रहलाद महाराज को, किस लिए घूर रहा है, अब तो ये गया, आज मैं मार डालूंगा इसको। प्रहलाद महाराज से बोला चलो कुछ अंतिम वार्तालाप कर लेते हैं। मतलब प्रहलाद देखो मैं इतना पावरफुल व्यक्ति हूँ, पूरे विश्व पर मेरा कंट्रोल है ना, और तुम एक 5 साल के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ रही है भाई, इतनी शक्ति तुम्हारे, इतना कॉन्फिडेंस, तो हमारे सामने खड़े हो, कोई डर नहीं तुम्हारे आंखों में, कोई इतना बड़ा व्यक्ति आके खड़ा हो जाए और हमको मारने के लिए उत्सुक हो तो हम तो भागे भागे घूमेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज एकदम शांति से, इतना तुमको शक्ति कौन दे रहा है प्रहलाद। प्रहलाद ने भाई देखिए हमको शक्ति वही दे रहा है जो आपको भी शक्ति दे रहा है बोलने की। आपके पास जो शक्ति है ना, जो इतना विश्व जीत के लाए, किसके दम पे जीत के लाए, भगवान ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं, आप वही शक्ति हमको भी दे रहे हैं, वो तो हर जीवात्मा को शक्ति दे रहे हैं, तभी तो वो जीवात्माएं कार्य कर पा रही हैं। ये फिर और गुस्सा हो गया, है ना। तो उसने बोला क्या तुम कुछ ऐसा बोल रहे हो कि कोई चीज़ मुझसे भी बड़ी है क्या इस संसार में, है ना, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। कौन बोल रहा है, हिरण्यकश्यपु। उन्होंने बोला नहीं ये बात तो नहीं मानेंगे। प्रहलाद महाराज डायरेक्ट उनको मना कर, नहीं ये आप बात गलत बोल रहे हो, है ना। अब वो प्रहलाद महाराज की बहुत भर्त्सना करने लगा, और उसने क्या निकाला, अपना तलवार निकाला और अपने सिंहासन पर बैठ के भी बातें कर रहा था, अब खड़ा हो गया सिंहासन पर तलवार लेकर के, कहा तुम बोलते हो तुम्हारा जो विष्णु है हर जगह पर स्थित है ना, तो इस खंभे में भी क्या है तुम्हारा विष्णु, और ऐसे बोलते हो। उसने तलवार तो निकाली थी लेकिन तलवार चलाई नहीं, उसने उस खंभे पर अपना मुष्टिका प्रहार किया, भूम करके खंभे पर बड़ी तेज से मारा, है ना। तो अभी हुआ क्या, खंभे पे मारा तो लेकिन आवाज़ उसकी नहीं आई, आवाज़ किसी दूसरी चीज़ की आई, और वो आवाज़ इतनी विभीषण आवाज़ थी, इतनी भीषण आवाज़ थी कि ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड है वो फट गया। इसके बारे में आता है तदैव तस्मिन् नितो अति भीषणो बभूव येनांड कटाह अस्फुटत, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड के जो द्वार हैं वही फट गए हों, इतना भीषण आवाज़ वहाँ से उत्पन्न हुई, और ये सारी आवाज़ ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के पास भी, वो कहे कहाँ से आवाज़ आ रही है, और हिरण्यकश्यपु भी सोच रहा आवाज़ आई कहाँ से, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है कि आवाज़ एग्जैक्टली किस जगह से आई। उसने मुष्टिका प्रहार किया, आवाज़ बहुत तेज आई, लेकिन वो एग्जैक्टली उस खंभे से आई ये उसको नहीं पता चला, क्योंकि आवाज़ जब बहुत तेज होती है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से आई आवाज़। और जब इस तरीके से वहाँ पर उत्पन्न, वहाँ पर प्रकट हो गया नरसिंह देव भगवान की जय। नरसिंह भगवान का जो स्वरूप देखा है हिरण्यकश्यपु ने, तो पहले तो उसको समझ में ये लग गया कि है कौन ये। उसने सिंह को देखा था, मनुष्य को देखा था, लेकिन ऐसा स्वरूप उसने कहीं नहीं देखा था। नरसिंह भगवान का जो, उनके जो बाल थे वो बादलों से
लग रहे थे, इतना बड़े स्वरूप थे। और हिरण्यकश्यप एक मच्छर की तरह ऐसे देख रहा था उनको। हिरण्यकश्यप अपने हाथ में वो लेकर के है ना जो तलवार, और एक हाथ में जो खड़ग बोलते हैं उसको लिया हुआ था, और नरसिंह भगवान को ऐसे करके देख रहा था। नरसिंह भगवान एक मच्छर के समान हिरण्यकश्यप को देख रहे थे, हिरण्यकश्यप उनके सामने इतना छोटा लग रहा था। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, आप सब मेरे पीछे पीछे रिसाइट करिएगा कि नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए। सत्यम विधातुम बोलिए, निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदर्शिता अति अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। तो सबसे पहली चीज क्यों नरसिंह भगवान आते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान नरसिंह और किसी कार्य के लिए नहीं आते। क्यों नरसिंह भगवान को इतना अधिक इस कौन में आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने क्यों वर्शिप को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया, क्योंकि नरसिंह भगवान का प्राकट्य सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए हुआ, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, नथिंग एल्स, और कोई दूसरा उनका पर्पज नहीं है। मेरे भक्त को कुछ ना चाहिए, उन्होंने क्या बोला था विष्णु जी ने, जब मेरे भक्त को कष्ट देंगे ना तब मैं प्रकट होकर उसको मारूंगा। तो नरसिंह भगवान का सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उनके भक्त ने जो बात बोल दिया है उस बात को सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्या बोल दिया था उनके भक्त ने कि भगवान हर जगह हैं, अब हर जगह हैं तो खंभे में भी होने चाहिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। दूसरे उनके भक्त हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने क्या बोला हुआ है कि ना तुम दिन में ना मरो ना रात में मरो, ना अस्त्र से ना मरो ना शस्त्र से मरो, ना आदमी से मरो ना पशु से मरो, इतना सब बता के गए ना तामझाम, वो सारा तामझाम ब्रह्मा जी उनके भक्त हैं उन्होंने बोला है, तो उनकी बात को सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, है ना, उस बात को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, उस बात को क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, यही बात को। तो ब्रह्मा जी की बात और दूसरा प्रहलाद महाराज की बात, इन दोनों को सिद्ध करने के लिए। तो ये जो स्पेशल अवतार लिया नर और सिंह का, नीचे जो शरीर है वो कैसा है मनुष्य का, और ऊपर का जो शरीर है वो कैसा है, और उनके नाखून जो है बहुत बड़े बड़े नाखून है, क्योंकि आप देखिए हिरण्यकश्यप ने एक जो वरदान मांगा था कि ना हम किसी अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, तो नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। दूसरा उसने मांगा था ना सजीव से मरे ना निर्जीव से मरे, तो नाखून ना तो सजीव है ना निर्जीव है, अब जुड़ा भी हुआ है तो सजीव भी है, और एक तरीके से उसमें कोई जान भी नहीं होती इसलिए निर्जीव भी है। तो भगवान ने उन सारी कंडीशंस को फुलफिल किया, अंदर बाहर बोला था तो भगवान ने चौखट पे जाकर किया, सुबह और रात बोला था तो भगवान ने शाम के समय में किया। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पे समझनी चाहिए, भगवान को कोई बाउंडेशन नहीं है, तो भगवान ने ये सब क्यों फॉलो किया, या सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान मार नहीं पाते, भगवान सिंपल मनुष्य में आकर के भी हिरण्यकश्यप को मार सकते थे, उन्होंने बनाया तो वो मार देते। भगवान ने क्यों उन सारी चीजों को फॉलो किया, नरसिंह भगवान बन करके आए, अपने ब्रह्मा जी की जो बातें हैं भाई ब्रह्मा जी की बात रख लो, ब्रह्मा जी अपने भक्त हैं, क्यों उनकी बात को गलत सिद्ध किया जाए। अब अगर मनुष्य बन के मार देंगे बोले ब्रह्मा जी का तो कोई मतलब ही नहीं, ब्रह्मा जी को इतना आशीर्वाद दिए उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ऐसा नहीं, भगवान को कोई फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन भगवान को पसंद आता है अपने भक्तों को फॉलो करना, है ना। भगवान देखिए सारथी बन जाते हैं, किसके सारथी बन जाते हैं, पार्थ सारथी बोलते हैं, भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों की सेवा करना, है ना। तो इसलिए भगवान जो है स्पेशली प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। अब उस समय जो हिरण्यकश्यप को भगवान ने क्या किया, पहले तो खूब उनके साथ खेला, जैसे बिल्ली होती है ना चूहे के साथ, कभी कोई पकड़ लेती है तो देखिए छटपटाता है छोड़ देती है, तो चूहे को लगता है जीत रहे हैं हम फिर वो खड़ा कूदता है फिर बिल्ली पकड़ लेती है उसको। तो ऐसे ही भगवान क्या करते थे, हिरण्यकश्यप को ऐसे अपने नाखून से ऐसे उठाते थे, हिरण्यकश्यप ऐसे ऐसे तलवार चलाता उसमें खूब, है ना, फिर भगवान छोड़ देते, खेल खेल रहे थे उसके साथ। बहुत देर तक खेल खेला, शाम का जब समय आ गया सब कुछ अनुकूल बन गया, भगवान ने चलो अभी काम बहुत खेल हो गया आप करते हैं काम तमाम, भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को उठाया अपनी गोदी में और वहीं पर एक चौखट पे ही वहां पर क्या किया, अपने नाखूनों से उसके पेट को क्या कर दिया, फाड़ दिया, है ना। और उसकी जो अंतड़ियां थी आते थी छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना ऐसे घूम 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 के पड़ी होती, डॉक्टर लोग जानते होंगे,
भगवान ने क्या किया, उनको ही हार बना करके अपने गले में पहन लिया। इतना क्रोध था हिरण्यकश्यप के ऊपर कि तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया, छोड़ेंगे नहीं तुमको, और उनकी अंतड़ियों को पहन लिया। तो कई सारे आचार्य बताते हैं कि भाई नरसिंह भगवान का स्वरूप इतना भयानक था, हार पहनाने कौन जाता। तो भगवान ने कहा दूसरा कोई हार पहनाएगा नहीं, चलो खुद ही पहन लो। उन्होंने ही अंतड़ियों का ही हार स्वयं ही पहन लिया। और नरसिंह भगवान का स्वरूप इतना भयानक था, हिरण्यकश्यप पूरी तरीके से विलीन हो गया है, सारे खून के सारे छींटे वहां पर पड़े हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि भगवान नरसिंह के पास आ सके। इतना भयानक स्वरूप भगवान का ना किसी ने देखा था, कभी भी किसी ने सुना ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, इनको पहले शांत तो कराओ, ये तो शांति नहीं हो रहा है, ऐसे ही अगर रहे तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, ये तो शांति नहीं होने वाले हैं। तो फिर ब्रह्मा जी गए भगवान के पास। ब्रह्मा जी सबसे पहले शिव जी के पास, शिव जी से बोला आप जाइए कुछ, है ना, प्रेयर करिए जाके शिव जी। शिव जी बोले हम नहीं जाने वाले। कहा नहीं नहीं जाइए जाइए, शांत कराइए, वरना क्या है, पूरा सब लोग तो हो गया ना, मर गया हिरण्यकश्यप, खत्म करेगा, शांत हो जाए भगवान। शिव जी गए, शिव जी ने भगवान की प्रार्थना किया, उनसे बोला देखिए भगवान आप हमारा काम क्यों कर रहे हो, आप आपने अपना काम कर दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, हमारा काम क्या है, प्रलय करना है, वो हमको करने दीजिए, आप क्यों कर रहे हैं। एक व्यंग तरीके से बोला नरसिंह भगवान को, दूर दूर से ही, पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, दूर दूर से ही प्रणाम करके प्रणाम किया, कहा नरसिंह भगवान आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा काम मत करिए, आप हमारे हमें कर लेते दीजिए, प्रलय का काम हमारा है, अभी हिरण्यकश्यप मर गया छोड़ दीजिए, कोई शांति नहीं। उसके बाद इंद्र गए, इंद्र ने बोला देखिए ये तो बड़ा अच्छा बात हुआ, हिरण्यकश्यप मर गया। इंद्र को अपनी टेंशन थी, उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने हिरण्यकश्यप मार दिया, अब हमें राज्य वापस मिल जाएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से वापस दूर से ही, है ना, कोई ज़्यादा नहीं। बाद में पितर आए, ऋषिगण आए, हर कोई व्यक्ति अब प्रेयर्स करता, दूर से ही चला जाता, कहीं भाई थोड़ा सा भी अगर आंखें देख दिया, इतना ज्वलंत है, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, है ना, इतना उनके शरीर से तेज निकल रहा, देख भी देंगे तो आग से जल के भस्म हो जाएंगे। सब दूर दूर से जाके प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी परेशान, करें तो करें क्या, उन्होंने कहा ऐसा करें देखिए पति कितना भी बहुत बड़ा उग्र हो, पत्नी के सामने सब ढीले ही पड़ जाते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा भाई किसको बुलाते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। लक्ष्मी जी कौन है, भगवान की पत्नी है, पत्नी के सामने क्या होगा, व्यक्ति ढीला पड़ जाएगा, चाहे कितना भी बहुत बड़ा बाहर बहुत बड़े हीरो बनते हो, घर में वो सब दुबक के ही रह जाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, लक्ष्मी जी को लेके आएंगे। तो लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी जी ने कहा कौन है, चलो देख लेते हैं कौन है, है ना, हम देख लेंगे, बना देंगे, उसमें क्या है। और लक्ष्मी जी ने जब वहाँ पे देखा नरसिंह भगवान, वो पूरा शेर का शरीर, खून के सब छींटे पड़े हुए हैं, भगवान अंतड़ी आते जो है पहने, और लक्ष्मी जी ने कही कौन है, हम नहीं जानते इसको। लक्ष्मी जी लौट आई वहाँ से, कहा ये हमने देखा ही नहीं, ऐसे भगवान थोड़ा, हमारे पति तो बड़े इतने सुंदर हैं, चतुर्भुज है ना, वो पूरे नीलाम भुजर चामल कोमलांगम है, ये सब हमारे पति नहीं, हम नहीं मानते, हम चले आएंगे। और वो वहाँ से लक्ष्मी जी वहाँ से लौट आई। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, क्या करें, ये तो कोई शांति नहीं हो रहा है, उग्रम है ना, पूरे उग्र नरसिंह बने हुए हैं, क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने दिमाग चलाया, ये नरसिंह भगवान आए किसके लिए हैं, ये आए हैं प्रहलाद महाराज के लिए, और कोई दूसरा कारण, हिरण्यकश्यप को मारना इनका मकसद नहीं है, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए आए हैं, वो असली उद्देश्य है। तब प्रहलाद से कहा प्रहलाद जाओ, तुम्हारे भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज जब चले हैं वहां से, वो जो सीन है ना, वो बहुत उत्तम सीन है। प्रहलाद महाराज जैसे सिंह का बच्चा चलता है, बाकी सब लोगों को डर लग रहा था भगवान से, भगवान ये वो, वैसे सिंह के बच्चे को सिंह से डर लगता है क्या, कोई डर नहीं। प्रहलाद महाराज एकदम निर्भीक होकर के, हाथ जोड़ करके, और भगवान जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हिरण्यकश्यप उनकी गोद में है, मरा पड़ा हुआ है, प्रहलाद महाराज वहाँ पर हार लेकर के नरसिंह भगवान के समक्ष, छोटे से बच्चे 5 साल के, और उनको तरफ ऐसे हार दिखा रहे हैं कि आप हार को स्वीकार कर लें। जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखा, वो सब अपना उग्र शरीर छोड़ करके तुरंत प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में उठा लेते हैं नरसिंह भगवान। और जैसे शेर होता है अपने बच्चे को कैसे प्रेम करता है, चाट करके, है ना, तो भगवान का जो ऊपर का चेहरा है वो कैसा है, शेर का है, तो भगवान पूरे प्रहलाद के शरीर को चाटने लग जाते हैं, है ना, उसी बड़े प्रेम के साथ, जैसे एक सिंह जो होता है अपने बच्चे को चाटता है, बहुत प्रेम के साथ चाटने लग जाते हैं, और सारा अपना क्रोध वहाँ पर छोड़ते हैं। कहते हैं प्रहलाद तुमने कितना कष्ट सहा मेरे लिए, कितना मेरे तुमने इंतजार किया, अपनी भक्ति से तुम टूटे नहीं, ये नहीं कि छोड़ दिया, है ना, मैं तुम्हारा कितना कृतज्ञ हूँ, तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहे, और मैं तो देखो तुम्हें कितना लेट हो गया, इतने देर बाद मैं आया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। प्रहलाद महाराज ने कहा ये आप क्या बात कर रहे हो, कौन ये कहता है कि आपको लेट हो गया, जब मुझे पहाड़ से फेंका गया किसने बचाया, सर्पों के बीच में डाला गया तो किसने बचाया, है ना, मुझे जब अंधेरी काल कोठरी में फेंका गया तो किसने बचाया,
हाथी को किसने डायरेक्ट किया कि उस तरफ मत जाओ? अरे हर समय तो आप ही रक्षा कर रहे थे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इस समय आपने प्रकट रूप से रक्षा किया, सबको दिखाई दिया कि हाँ भाई, फिर नरसिंह भगवान ने बचाया। लेकिन भगवान तो वास्तव में हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं, है ना? ऐसे भगवान हर समय परमात्मा के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमको भोजन प्रदान कर रहे हैं। क्या कोई साइंटिस्ट एक गेहूं का दाना भी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। पानी का निर्माण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सब भगवान ही दे रहे हैं ना, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान तो हर समय रक्षा आप कर रहे हो हमारी, ये तो प्रकट रूप में आपने किया। और प्रहलाद महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेयर किया। बस हम प्रेयर्स को एक दो प्रेयर्स करके हम एंड करेंगे आज की क्लास को, ना काफ़ी हो जाएगा। प्रहलाद महाराज ने तुरंत अपने एक अन्वेषण किया भगवान। उन्होंने बोला कि देखिए भगवान, यहाँ पर तो इतने अच्छे अच्छे देवता लोग हैं, उन्होंने तो बड़ी सुंदर सुंदर प्रेयर्स भी गा सकते हैं, उनके पास तो शरीर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आप उनसे प्रसन्न नहीं हुए, आप मुझसे प्रसन्न हुए। आप उनसे प्रसन्न नहीं हुए। उनके पास तो सत्वगुण वाला शरीर भी था, और मैं तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ, मेरा शरीर भी कैसा है? असुर कुल में है। तो एक चीज मैं निष्कर्ष पे पहुंच पाए। प्रहलाद महाराज का निष्कर्ष है, देखिए क्या निष्कर्ष है, ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। मन्ने धनाभिनजन रूप तपः श्रुतौजः तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथ पाया। वो कहते हैं भगवान, कोई भी व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति है, आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अरे आप किससे ज्यादा संपत्ति है क्या? व्यक्ति क्या होगा? लखपति होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा। आप कौन है? आप लक्ष्मीपति हैं। आप लक्ष्मी जी, आपकी तो वो करोड़पति वो क्या है, वो बस थोड़े समय का ही है। मान लीजिए कोई करोड़पति है, कितने साल तक करोड़पति रहेगा? 60, 70, 80 साल के बाद। उसके बाद क्या? वो तो उसका धन था ही नहीं, वो तो उसको थोड़े समय के लिए केयर टेक करने को मिला। इधर भगवान तो हमेशा के लिए हर एक चीज़ के मालिक हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे पास 2-4 लाख रुपए भरे पड़े हैं, तो भगवान से बोलेंगे, भगवान देखो मैं तुमको 1 लाख रुपए दान दे रहा हूँ, हमसे हमको थोड़ा आकर्षित हमारी भक्ति हो जाएगी। भाई संपत्ति से भगवान को भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए रखे हों, और कोई व्यक्ति रास्ते पर जा रहा हो, वो आपको 1 रुपए दिखाए, देखो देखो 1 रुपए से आकर्षित हो, बोलोगे मेरे पास 2 लाख रुपए भरे हैं, तुम्हारे 1 रुपए का क्या करेंगे, है? तो ऐसे ही भगवान जो सारी संपत्ति के मालिक हैं, हम सोचे देखो हमारे पास 2-4 बंगला है, हमारे पास ये गाड़ी बंगला है, तो भगवान उससे आकर्षित हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे अरे मेरे पास तो बड़ा नॉलेज है, बहुत बुद्धि मेरे पास, भगवान उससे भी आकर्षित नहीं होते, है ना? क्योंकि बुद्धि भी भगवान के पास भगवान के द्वारा ही दी गई है, है ना? भगवान बोलते हैं तो क्या है, कोई पे सौंदर्य हो, तपस्या हो, शिक्षा हो, दक्षता हो, कांति हो, प्रभाव हो, शारीरिक शक्ति हो, उद्यम हो, बुद्धि हो, योग शक्ति हो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरी समझ से ये सारी योग्यताओं से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ये सब चीज़ें भगवान को प्रसन्न नहीं करती। तो फिर क्या चीज? भक्त्यातुतोष भगवन गजयूथ पाय। प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल लेते हैं गजेंद्र का। गजेंद्र के पास क्या था? बहुत सुंदर था हाथी, है ना? बहुत वो मनुष्य शरीर था उसके पास? नहीं, हाथी का शरीर था, लेकिन क्या उसके अंदर इच्छा थी? भगवान की सेवा करने की। उसने क्या किया, जब विपद परिस्थिति आई, एक फूल को तोड़ा और भगवान को कहा, भगवान अब जो भी है मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, मैं इतनी विपद परिस्थिति हूँ, जैसा भी हूँ आपका। ये चीज भगवान को प्रभावित करती है। आप कितने धनी व्यक्ति हैं, कितना आप युवा हैं, कितना आपके पास सौंदर्य है, कितने आपके शारीरिक शक्ति है, कितना बुद्धि आपकी तेज चलती है, इन सब चीज़ों से आप भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के पास सब चीज़ें अनंत मात्रा में विद्यमान है। जैसे किसी के पास 10 करोड़ रुपए हो, तो आप 10 रुपए दिखा करके उसको आकर्षित नहीं कर सकते, है ना? उसको किससे आकर्षित किया जा सकता है? प्रेम से, क्योंकि प्रेम वो चीज़ है जो वो मांगते हैं, है ना? जैसे पिता होते हैं, है ना, पिता की ही सारी चीज़ें हों, लेकिन जब बच्चा क्या करे, उनकी ही चीज़ों से कुछ लाए और पिताजी बोले, पिताजी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो पिताजी बोले, है मेरे पैसे थे, तुम इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन पिताजी ये नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ओ बेटा मेरे लिए लेकर के आए हो, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो, दे दो मुझे। तो एक्चुअल में क्या वो चीज़ चाह रहे हैं क्या? पिताजी तो चीज़ है, वो बिस्किट या जो टॉफी है वो हजारों खरीद सकते हैं, लेकिन वो क्या स्वीकार कर रहे हैं? अपने बच्चे का प्रेम, कि बच्चे के अंदर इच्छा है कि ये मैं किसके लिए करूं? अपने पिता के लिए दूं। तो ऐसे ही हमारे हृदय में जो इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान के दर्शन करूं, भगवान को कुछ अर्पित करूं, भगवान के मंदिर के लिए कुछ निर्माण के लिए कुछ सहयोग दूं,
तो ये जो इच्छा हमारी है, जो ये चेतना है, ये प्रभावित भगवान को करती है, है ना। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा दान दिया तो भगवान कहेंगे अरे ये व्यक्ति हमारा बड़ा भक्त बन गया, किसी व्यक्ति ने एक रुपये चढ़ाया तो भगवान कहेंगे ये तो वो छोटा भक्त है तो सिर्फ एक रुपये दे रहा है। नहीं, भगवान देखते हैं चेतना किसकी अच्छी थी। हो सकता है जो एक रुपये दे रहा हो बोल रहा हो भगवान मेरे पास यही है, मैं आपकी अभी जितना कर पा रहा हूँ, आप हमें और सामर्थ्य दीजिए, आपकी मैं और अच्छे से सेवा करना चाहता हूँ। हो सकता है जो 1-2 लाख रुपये दे रहा हो वो सोच रहा हो कि चलो है ना दे देते हैं भगवान, ये सब इतने सारे लोगों को देते ही हैं, चलो यहाँ भी दे ही देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, है ना। तो चेतना किसकी अच्छी है, वो 1 रुपये की चेतना अच्छी हो सकती है ना, लेकिन 1 लाख रुपये की चेतना खराब हो सकती है। तो भगवान क्या देखते हैं, चेतना। दैट्स वाई भगवान देखते हैं इंटेंट, नॉट कंटेंट। ये प्रहलाद महाराज ने बोला, आप भगवान आप कंटेंट नहीं देखते हो, आप इंटेंट देखते हो, है ना, क्या आपके हृदय में क्या भावना है भगवान के प्रति, भगवान वो देखते हैं। जैसे आप देखिए मृगारी, है ना, तो मृगारी अगर देखा जाए तो वो जो काम कर रहा था कभी भक्ति कर ही नहीं सकता था, वो क्या करता था, पशुओं को आधा आधा मार करके छोड़ देता था। तो हमारे पास्ट कर्मा से भी हम भक्ति को करेंगे ये जरूरी नहीं है। ध्रुव महाराज, अगर कोई बोले नहीं एक उम्र होने पर ही भक्ति हो सकती है, ध्रुव महाराज 5 साल के, क्या उम्र से उनकी भक्ति हो रही है, नहीं। अगर आप देखो बोले बहुत जो सुंदर होगा वही भक्ति कर सकता है, तो कुब्जा के पास कौन सी सुंदरता थी, वो तो इतनी बदसूरत थी लेकिन भगवान को प्रसन्न कर लिया, है ना। कोई बोले कि नहीं अगर कोई उच्च कुल ब्राह्मण में जन्म लिया ना तभी वो भक्ति कर पाएगा, अच्छा तो विदुर कौन से बड़े बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, है ना। व्यासदेव जी कौन से बड़े ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, है ना। वाल्मीकि कौन बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हुए, है ना। अगर कोई बोले कि जो अमीर होगा वही सिर्फ भक्ति कर सकता है, तो सुदामा के पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, है ना, उनके पास तो चावल भी नहीं थे सही सलामत, भगवान के पास लेकर के गए, भगवान ने उनके प्रेम को स्वीकार किया, है ना। कोई बोले नहीं मनुष्य ही भक्ति कर सकते हैं, तो गजेंद्र तो देखिए वो तो पशु था, जटायु तो थे वो पशु थे, है ना, सारे वानर तो वानर योनि में थे। तो भक्ति क्या है, इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट है, है ना, कोई भी कर सकता है। बाकी कर्म कांड में ये है कि पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियाँ नहीं कर सकती, स्त्रियाँ कर सकती पुरुष नहीं कर सकते, भक्ति इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट है, वो अंदर की भावना है। और ये भावना हमको कल्टिवेट करनी है। जैसे कोई बोलते हैं हमें भगवान को भोग लगाना है, तो एक भगवान को भोग लगाने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए घर में पत्नी है आपके लिए खाना बनाए और खाना बनाए बोले लो खाओ, ठीक है, एक तरीका ये हो गया, ठीक। और दूसरा क्या है, वो भले सिंपल रोटी दाल बनाए और बड़े प्रेम से बोले आपके लिए हमने बनाया, जो ऐसा बना पाए आप खाइए, ठीक है। तो ऐसे ही एक होता है फॉर्मेलिटी, हमने भगवान को भोग लगा दिया, अब क्या करें, मजबूरी थी हमने लगा दिया, ठीक है। एक होता है हमने बड़े प्रेम से भगवान के लिए बनाया, भगवान को भगवान आज खाएंगे, उनको बढ़िया से उनकी प्लेट को धुला, अच्छे से सजाया, भगवान को समय दिया जितना हम समय लेते हैं खाने को, ये नहीं कि जल्दी घंटी बजाए चलो अभी भूख लगी है 5 मिनट में ही हो गया, भगवान आप तो खा ही लेंगे, आपने तो आँखों से ही खा लेते हैं, तो हमने निकाल लिया फिर अपना चालू हो गए। तो भगवान क्या देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दना। तो ये प्रहलाद महाराज का एक कंक्लूजन है। और प्रहलाद महाराज अगला श्लोक बोलते हैं, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसने, वो 12 जो उसके गुण होते हैं, ब्राह्मण के 12 गुण होते हैं, अगर उन 12 गुणों में भी वो एकदम प्रवीण है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो उस चंडाल से भी निम्न है जो भगवान की सेवा करने के लिए उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। चंडाल परिवार में जन्म मिला है लेकिन भगवान की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है, मनसा वचसा कर्मणा उसने समर्पित कर दिया है, वो उस ब्राह्मण से कहीं गुणा श्रेष्ठ है जिसके 12 गुणों से युक्त है, हर चीज में प्रवीण है। क्या करेंगे आपके उस गुणों को, शास्त्र बताते हैं हमारे अंदर जितने भी गुण हैं एक्चुअली वो भार है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा जो है वो व्यक्ति जो है बुद्धिमान व्यक्ति है, तो एक्चुअली भार है, क्यों, क्योंकि ये उसको अभिमान दिलाएगा, है ना। आप देखेंगे ना जो बहुत रूपवान हो बड़े बुद्धिमान हो क्या होगा, उनको अभिमान बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और वो अभिमान आने के कारण भगवान के पास जाएंगे दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। तो जितने ज़्यादा गुण उतना ज़्यादा अभिमान, उतना ज़्यादा भगवान से दूरी। तो सारे गुण भी अच्छे हो जाते हैं जब आप भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है। जैसे मेन चीज़ है खाना खाना, सोने की थाली या केला का पत्ता ये सेकेंडरी चीज है। तो जाली मान ली किसी को उच्च कुल में जन्म मिला तो ठीक है सोने की थाली है, ठीक है, खाना खा रहा है कि नहीं उसमें, किसी निम्न कुल में जन्म मिला वो मान लो केले की थाली है, मेन चीज़ क्या है, खाना खाना चाहिए, ठीक है। हम ये कह सकते हो सोने की थाली में खाना थोड़ा आराम से खाएंगे, अच्छे से खा सकते हैं, दैट्स ओके,
उच्चकुल में जन्म मिला है तो भक्ति के लिए अनुकूल एनवायरमेंट है, आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जब आप उसका यूज करो तब ना। अब आपको उच्च कुल में जन्म मिला, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सारे प्रकार के व्यभिचार, नशापान, इन सब चीजों में लगे हुए हैं और बोलते नहीं हम तो ब्राह्मण उच्च कुल में, हम तो ब्राह्मण है, तो क्या करें आपको उस ब्राह्मण का, है ना। दूसरा व्यक्ति या अमेरिकन, आप देखिए इस्कॉन में कितने सारे अमेरिकन जो कि एकदम चांडाल परिवार के थे, है ना, वो क्या कैसे कैसे परिवार ने जन्म लिया, लेकिन क्या किया श्रील प्रभुपाद जी ने, उनको भक्ति का मार्ग देकर के उनको कितना शुद्ध कर दिया। आज वो इतने शुद्ध हैं कि आप उनकी उनकी कोई कल्पना कर सकते हैं। तो ये होता है भक्ति का प्रभाव। भक्ति क्या है, वो एक वो नंबर्स के समान है और जो गुण होते हैं वो जीरो के समान है। जैसे कोई बोले हमारे पास ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, मतलब उतने जीरो उसके पास, और भक्ति मतलब एक। जितने भी जीरोज हैं अगर आप पहले एक लगा दिया वो सब जीरो जो है काम के हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही जब हम अपने जीवन में भक्ति को लाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, बहुत अच्छी बात, क्यों, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, सब अच्छा है। अच्छा हम अभी क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए, तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हो। लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये सब चीज़ें हमको उल्टा बांधेगी। जैसे आप नदी में डूब रहे हो तो क्या चीज़ अच्छी बात है, आपके पास भार हो या खाली हो, भार ना हो उतना ही अच्छी चीज़ है ना, जितना आप खाली हो। तो वैसे ही भगवान की सेवा कौन व्यक्ति कर सकता है, जो अपने आप को दासानुदास मान करके समस्त इन उपाधियों को त्याग करके भगवान की सेवा करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। तो भाई हैं कौन आप, कहते हैं कि मैं कौन हूँ, गोपीर भर्त्य पद कमलयो दास दासानुदास, व्हाट इज माय आइडेंटिटी, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गोपीज, गोपियों के जो स्वामी हैं उनके क्या हूँ, उनके सेवकों के सेवक। ये हमारी असली पहचान है। बाकी शरीर का क्या, जैसे मान लीजिए शरीर आपको अभी यहाँ मिला है, अच्छे कुल में जन्म मिला है, अगले जन्म में आपको दूसरे शरीर मिल जाएगा, दूसरे धर्म का शरीर मिल जाएगा, क्या कर लेंगे, कोई आपका कंट्रोल है उस पर, ये तो जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ आप हैं, आत्मा हैं, उसके लिए कार्य करना, ये भक्ति है। ये प्रहलाद महाराज ने बोला, और प्रहलाद महाराज ने ये बोला, अगर भक्ति नहीं है तो सारे गुण भी क्या बन जाएंगे आपके ऊपर, भार बन जाएंगे, वो आपको और नीचे डुबा देंगे इस भौतिक जगत में, आप और अभिमानी बन जाएंगे और अहंकारी बन जाएंगे। लेकिन भक्ति होगी तो उन गुणों को भी आप भगवान की सेवा में लगा करके और अच्छी भक्ति करो, है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए IIT से BTEC करके आया, ठीक है, तो अभी क्या है, भक्ति करने के लिए क्या देखा जाए, देखा जाए तो ये क्या है, गुण है उसका IIT से पढ़ करके आया, लेकिन जब वो भक्ति में इसका प्रयोग करे, लोगों को इस तरीके से भक्त बनाए कि देखो हम IIT में पढ़ के आए फिर भी भक्ति कर रहे हैं, आपको भी भक्ति करना चाहिए, तो वही जो उसका गुण था वो भौतिक था, है ना, वो जीरो ही था, एक तरीके से उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसने उसका प्रयोग किसके लिए कर लिया, भगवान की सेवा में, लोगों को भगवान से जोड़ने में कर लिया, तो वही गुण क्या बन गया, भक्ति बन गया उसका, है ना। वरना वही उसको डुबा देता, अपना अहंकार रहता, हम IIT से किए, और फिर क्या होता, शरीर तो छोड़ना ही, अगले जन्म में तो पैदा होंगे तो IIT की डिग्री लेके तो आएंगे नहीं, देखो पिछले जन्म में IIT से निकले थे, ऐसे करके जन्म लेंगे क्या, फिर अगला जन्म तो फिर वही ABCD, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, है ना, बॉल, यही पढ़ना है। तो ये सारी भौतिक योग्यताएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं अगर भक्ति नहीं है तो, लेकिन अगर भक्ति कर रहे हैं तो ये भौतिक योग्यताएं भी हमारे लिए हमको और भक्ति में आगे ले जाएंगे। तो सबसे आखिरी पॉइंट में हम एंड करेंगे आज की क्लास को, भगवान हमसे ज़्यादा उत्सुक हैं हमको अपनी कृपा देने के लिए। हमें लगता है ना, अरे हम तो कृपा मांगते रहते हैं, भगवान देते नहीं, भगवान तो 100 कदम आगे बढ़ करके आपको देना चाहते हैं, है ना, आपको एफर्ट डालना है। श्रीमद् भागवतम में आता है कि यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को बांधा, 2 अंगुल रस्सी जो थी वो कम पड़ रही थी, तो 2 अंगुल रस्सी क्या थी, क्या चीज़ थी, 2 अंगुल रस्सी थी, पहला उनका प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा, 2 चीज़ें, प्रयास और कृपा। तो अभी यही 2 चीज़ें अगर हो जाए तो कृष्ण को हम बांध लेंगे। तो 2 चीज़ें क्या है, हमें अपना पूरा प्रयास करना है। तो हम प्रयास कैसे कर सकते हैं, अच्छे से भक्ति करके, पूरी सिंसियरिटी के साथ, अपनी पूरी इंटीग्रिटी के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर कुछ और, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, है ना, पूरी इंटीग्रिटी, पूरी सिंसियरिटी के साथ भक्ति करनी चाहिए। ये हो गया हमारा प्रयास। और जब हमारे प्रयास को देखेंगे भगवान, अरे ये कितना सिंसियरिटी कर रहा है, देख लो कितनी सारी परेशानियां भी आ रही हैं, डिग नहीं रहा है, अपने उस लक्ष्य के ऊपर पूरी फोकस्ड है, तब भगवान क्या करेंगे, अपनी कृपा चक्षु के माध्यम से हमारे मार्ग को आसान कर देंगे। जैसे जब यशोदा माता बांधे जा रही हैं, उन्होंने सोच लिया था
शाम हो जाए ये पूरा दिन चला जाए लेकिन कृष्ण को तो बांध के रहूंगी, ये उनका पूरा डिटर्मिनेशन था। और पूरा पसीने से लथपथ हो गई यशोदा माता, कृष्ण भगवान ने देखा ये तो आज छोड़ने वाली नहीं, आज बांध करके रहेंगी, और उनके प्रयास को देख करके भगवान बने रहे। तो ऐसे ही हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, हम सोचे कि हम भगवान का नाम लेकर के भगवान का दर्शन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इम्पॉसिबल, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम सिंसियर हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम रगड़ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं पूरे कन्विक्शन के साथ डिटर्मिनेशन के साथ लगे हुए हैं, ये भावना भगवान को हमें को प्रभावित कर देगी और उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। हमारी साधना के दम पर नहीं, हमारी साधना क्या है, हमारी साधना बहुत कमज़ोर है, हमारा ध्यान तो बहुत इधर उधर भागता है। लेकिन अगर हम बार बार भगवान के प्रति अपने ध्यान को लगाते रहें, सेवाएं करते रहें, हमेशा जुड़े रहें, मंदिर आते रहें, सेवाएं देते रहें, तो उस सिंसियरिटी, उस रेगुलरिटी को देख करके भगवान की कृपा दृष्टि पड़ेगी और हम भगवान को तब प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यामि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशुते तद। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मुझको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है और किसी तरीके से आप मुझे समझ नहीं सकते। इसलिए हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान हर जगह इसको बोलते हैं। तो नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के जीवन से हम यही सीखना है। इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यपु के जैसे हम कितना भी इस जगत पर शासन क्यों ना कर लें, लेकिन वो सब कुछ एक स्तर पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जगत कैसा है, अशाश्वतम दुखालयम, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है और दुख देने वाली है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपनी स्थिति को समझना चाहिए, हम क्या हैं, भगवान के दास हैं, भगवान कौन है, हमारे स्वामी हैं, ये शरीर क्या है, भगवान ने दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, बस दैट सिंपल। जीव कृष्ण दास करी ले विश्वास तो और दुख नहीं। अगर आपको दुख नहीं चाहिए संसार में, बस एक विश्वास कर लीजिए, जीव कृष्ण दास, मैं कौन हूँ, भगवान का दास, और दास को क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। परेशान कब होते हैं, जब हम मेवा खाने के चक्कर में पड़ते हैं, जब हम सोचेंगे हमको क्या खाना है, मेवा, तो मेवा खाएंगे तब समस्या है। तो इंद्र भी परेशान, इंद्र भी देखिए कितना सारा करता है ना, जब देखता है कि उसके पदवी खतरे में आ गई, तो जब कोई मेवा खाने का प्रयास करता है तब परेशानी है। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब परीक्षित महाराज भी आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, इंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि इंद्र को कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं, गोलोक वृंदावन जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस संसार से छूट जाएंगे और भगवान के इस जीवन के अंत में हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे इसी लाइफ टाइम में, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर हम विराम देंगे आज की कथा को। हरे बोल, हरे कृष्ण, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।